This meeting is being recorded. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. Audio now and news alert. जज़ाकअल्लाह। हम अपने इस ट्रेनिंग का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना छोटे सा तारुफ देता चलूँ। मेरा नाम एहसन इकबाल, इसमें मैं एज एम्प्लॉय अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ, एज एन ऑडियो एडिटर प्लस टाइम आउट। और मेरे साथ जो आज के हमारी ट्रेनर हैं, ये कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स हैं एजुकेशन में। इसके अलावा टेक्निकल स्किल्स इनके बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और हमारे लिए एक इंस्पिरेशन भी है। इनका नाम है मिस अक्सरज़ादा। सो आपके साथ ये थ्रू आउट द ट्रेनिंग रहेंगी इंशाल्लाह, और आपके तमाम सवालों के जवाब भी देंगी। अपनी ट्रेनिंग का बाकायदा मैं मिस अक्सा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आके आपके साथ थोड़ा सा इंट्रैक्शन करें, ताकि हम इसको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में स्टार्ट कर सकें। ओवर टू मिस अक्सा। वालेकुम अस्सलाम, और बहुत शुक्रिया एहसन कि आपने जो है वो मुझे क्या कहते हैं बोलने का मौका दिया। और हम अब जो है अपनी ट्रेनिंग का बाकायदा आगाज़ करेंगे। जी, आप लोग तो नाम से जान ही गए होंगे कि मेरा नाम अक्सरज़ादा है, और मैंने इस सुबह में जो है वो ऑडियो प्रोड्यूसर के तौर पे और इसके अलावा सर्विस सेंटर में कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव करके खिदमात अंजाम दे रही हूँ। इसके अलावा और बहुत सारे टास्क हैं। आज हम चैट जीपीटी ट्रेनिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि एहसन भी अपने बारे में थोड़ा सा बता दें, क्योंकि मेरे जो को ट्रेनर के तौर पर मेरे साथ एहसन होंगे, तो हम दोनों ही आपको जो है वो फैसिलिटेट करेंगे। ठीक है, जी एहसन। अच्छा जी, मैं अपने बारे में नहीं बता पाऊंगा। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। जी सर, अब हमारी आवाज आ पाई। ज़ूम ऑडियो नाउ इन द लर्न। जी सर, बोलिए। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। प्रीवियस आ रही थी वैसे। आप अब हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। चले, बहुत शुक्रिया। इसमें ये भी होता है कि अगर हम सब अपने माइक को म्यूट कर लें, तो जो एक माइक खुला होता है उसकी वॉइस क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाती है। अच्छा जी, मेरा नाम है कराची यूनिवर्सिटी से, मैं ग्रेजुएशन मैंने किया है, गोल्ड मेडल हासिल किया है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। इसके अलावा ट्रेनिंग का अच्छा एक्सपीरियंस रहा है फिलहाल, फीडबैक के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। बाकी तो इसके अलावा अभी लर्निंग प्रोसेस में है, स्टार्ट हुई है, प्रोफेशनल करियर अभी स्टार्ट किया है, और नई सुबह में एज एम्प्लॉय है, और यहाँ पे इन्होंने हमें चांस भी दिया कि हम ट्रेनिंग्स कर सकें। तो हमारे साथ लोग उनमें मैं जो हमारे पास वीआईज हैं, मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा, मैं ऐसे ही बस एक अजराए तकल्लुम या तकर्रुम ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे पास वीआईज हैं उनको भी हम स्क्रीन रीडर के थ्रू सिखा रहे होंगे। तो आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप से जिस तरह भी हैं, आप कोशिश करें कि आप अलर्ट रहें। जो भी एक्शन हम यहाँ परफॉर्म कर रहे होंगे, आप हमारे साथ प्लीज़ परफॉर्म कीजिएगा। कहीं भी आपको लगे कि हम तेज़ जा रहे हैं, प्लीज़ हमें रोक लीजिएगा। कहीं भी आपको लगे कि कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, तो आप हमें फ़ौरन से पूछ लीजिएगा, रिपीटेडली पूछ लीजिएगा। क्योंकि मसला ये है कि ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। आप पहले पॉइंट से अगर आगे निकल गए, आपको बात समझ नहीं आई, तो पॉइंट को भी कवर नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि साथ साथ चलिएगा, या हमें रोक लीजिएगा, हम आपके लिए बिल्कुल रुकने को तैयार होंगे और आपको साथ लेके चलेंगे। हम इसको स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल से हमारा हो गया और हो गया।
PowerPoint slideshow PPT of ChatGPT or slideshow slide one. अच्छा जो हमारे excited participants हैं, trainees हैं, उनसे बस हजरत कि जो आपको जॉस की आवाज या स्क्रीन रीडर की आवाज बार बार आएगी, इसमें आपको अगर थोड़ी बहुत Shane Raza joins the meeting alert. हो तो उसके लिए बहुत Adram Salim for the waiting room alert. Adram Salim enter the waiting room alert. जो लोग हमारे साथ थोड़ा सा देर में भी ज्वाइन कर रहे हों, वो भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं या चाहते हैं कि हम चीज़ों को समराइज करके चलते आगे चलते रहें, तो वो भी प्लीज हमसे कह सकते हैं, लेकिन अभी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है ट्रेनिंग के एतबार से. Screen sharing meeting control PPT of ChatGPT PowerPoint PPT of ChatGPT PowerPoint. Slide 2, introduction of trainers. Slide 2. Okay. Slide 1, training of ChatGPT. Slide 2. Slide 3, introduction to ChatGPT. Slide 2. Slide 10, conclusion. Slide 2. Slide 9. Slide 2, slide 3, introduction to ChatGPT. Slide 2. अच्छा ये हमारे पास इंट्रोडक्शन है चैट जीपीटी का, यहाँ से हम आगाज करते हैं और यहाँ से आपके साथ मिलकर चैट जीपीटी के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं. तो सबसे पहले तो आप लोग क्या मुझे बता सकते हैं पार्टिसिपेंट्स के, आप लोग को चैट जीपीटी की फुल फॉर्म पता है, कोई जानता है? नहीं. Waiting room alert. Phantom Zero enters the waiting room alert. Okay. तो मैं आप लोग को बताती हूँ कि चैट जीपीटी की फुल फॉर्म जो है वो है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, ये इसकी फुल फॉर्म है. ठीक है, और चैट जीपीटी का जो आगाज है वो नवंबर 2022 में हुआ था. ठीक है, और उसके बाद 4 दिसंबर 2022 में इसके जो यूजर्स हैं वो 1 मिलियन हो गए थे, और जनवरी 2022 में 2023 में जो है उसके यूजर्स 100 मिलियन हो गए थे. उसके बाद जो है वो मार्च 2023 में जो है वो ओपन एआई ने एक अनाउंसमेंट की थी कि जो है वो चैट जीपीटी को, क्योंकि इसका यूज़ काफ़ी शुरू हो गया था और ये आर्टिफिशियल सारे इंटेलिजेंस ने इसको ओपन यू मतलब लॉन्च किया, तो उसके बाद जब इसका यूज़ ज़्यादा हुआ तो उसके उन्होंने मतलब ये कहा कि इसको मोनेटाइज किया जाए. अनाउंसमेंट की कि इसको मोनेटाइज किया, मोनेटाइज से मुराद यानी कि इसको पेड किया जाए, क्योंकि उसकी वजह यह कि इसको काफ़ी लोग यूज़ करने लगे. और उसके बाद अप्रैल में जो है वो वर्चुअल असिस्टेंट के नाम से इसका एक जो है वो बार्ट भी ऑर्गेनाइज करवाया, और वो भी जो है इसका पेड है. इसके अलावा मई में जो है वो इसका एक म्यूजिशियंस से रिलेटेड एक फीचर इसका जो है वो लॉन्च किया गया, और वो था सैनफिनी के नाम से जो है वो एक इसका जो जाना जाता है. और इसके बाद जून में जो है 2023 में जो है वो जून में इसका एक और फीचर जो है वो लॉन्च किया जाएगा, जो कि वीडियो गेम के तौर पर यूज किया जाएगा, और उसका नाम जो है वो चैट एडवेंचर के नाम से जो है वो जाना जाता है. तो ये मतलब काफी यानी कि इसका यूज है और काफी सारा कॉन्टेंट है. तो ये इसका छोटा सा इसकी हिस्ट्री थी और छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन था. मजीद इसका यूज और वेज आपको नेक्स्ट स्लाइड में हम बताते हैं. किसी का अगर कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें, अदरवाइज हमने जो है वो आगे लास्ट में भी आप लोगों के लिए जब भी पूरी ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाएगी तब भी हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक सेशन रखा हुआ है. तो अगर सवाल लास्ट में हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, आप लोग सोच के रख लें अपने पास तो ज्यादा बेटर है. जी एहसन. अच्छा बहुत आपको बताया गया है कि इसकी मार्केट के साथ लेवल पे गई है, तो मार्च में जो है वो इसको कमर्शलाइज कर दिया गया है. जो भी इसको यूज करना चाहेगा वो खरीदेगा. Excuse me, Asan. Sorry to interrupt you. Can you guys please stop this
जो जूम अनाउंसमेंट है, बिकॉज आपकी आवाज जो है वो ओवरशैडो हो रही है ये कांस्टेंट अनाउंसमेंट्स की वजह से. पीपल आर लीविंग, पीपल आर जॉइनिंग, सो दैट्स कांस्टेंट अनाउंसमेंट. More options for chat to share, alt plus shift plus s, but share option drop down, pause share, alt plus t button, annotate button, remote control but closed, open x, collaboration options drop down button, more drop down button, dock to bottom button. You are muted, press alt plus a to unmute your microphone or press and hold the space key to temporarily. Salim Tapper has left the meeting alert. Tell the list for the waiting room alert. Tell the list enter the waiting room alert. Tell the list has left the waiting room for this meeting alert. Tell the list has joined the meeting alert. Salim Tapper has joined the meeting alert. Stop share, alt plus s button, expand screen share preview button. Unmute, currently muted, alt plus a button, audio settings drop down button, start video, alt plus b button, video settings, drop security drop down button. Video settings, security drop down button. Open participants panel, 20 participants, alt plus u button. More options for participants drop down button, menu. Invite, alt plus I, copy invite link, invite, alt plus I, copy, in, copy invite link, alt. Chat button. More options for chat drop down button, new share, alt plus shift plus s button. अच्छा जी, हमने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है. उम्मीद है कि आपकी इंशाल्लाह ये डिस्टर्ब नहीं करेगी. तो चैट जीपीटी के हवाले से मैं बता रहा था कि इसको कमर्शलाइज कर दिया गया, यानी कोई भी अब इसको यूज़ करना चाहेगा तो इसके मार्च 2023 के बाद से जितने भी वेरियंट्स आए हैं, जैसे कि आपको अक्सर ने बताया है कि इसका अपना बार्ड आया है, इसके अलावा सिम्फनी आया है, यानी आप म्यूज़िक के कोड्स इससे जनरेट करवा सकते हो और आपको अब कोई म्यूजिशियंस की इतनी ज्यादा नीड नहीं पड़ेगी. प्लस आप ऑडियो एडवेंचर के नाम से, चैट जीपीटी एडवेंचर के नाम से एक वीडियो गेम आया है. तो इन सब को यूज करने के लिए आपका जो है वो पेड वर्जन आपके पास होना लाजमी है. लेकिन हमारे पास जो फ्री वर्जन है वो इतना हमारे लिए कारगर है, उसमें हमारे पास इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि हमारे लिए वही तकरीबन काफी रहेगा अगर हम उसको यूज करते हैं प्रॉपर तरीके से, जिसकी ट्रेनिंग आपको आज दी जाएगी. सो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं. Salim Sultan has joined the meeting alert. Audio now muted alert. You are muted, press alt plus A to... PPT of ChatGPT Power, PPT of ChatGPT PowerPoint, product activation failed, slide 3. Title placeholder shape introduction to ChatGPT. Slide 4, how many ways ChatGPT can be used, slide 2. Title placeholder shape, how many ways ChatGPT, object placeholder shape, ChatGPT can be used in many different ways, both for edit multi-line selected 544 characters, space. ChatGPT can be used in many different ways, both for personal and professional purposes. Personal. Translate languages, ChatGPT can translate between over 200 languages. Translate languages, ChatGPT can translate between over 200 languages. Personal. Translate languages, ChatGPT can translate between over 200 languages. Write different kinds of creative content, such as stories, poems, and scripts. Answer your questions. Professional. Generate marketing materials such as sales copy, blog posts, and social media posts. Generate customer support content such as FAQs, troubleshooting guides, and product description. Generate creative content for your website. Blank. Object placeholder shape ChatGPT. New share. Alt plus shift. Audio now unmute alert. अब जो है वो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं. और नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी किन वेज में जो है वो चैट जीपीटी का इस्तेमाल होता है या किस लिए हम यूज करते हैं.
आप लोग को पढ़वाने का ये सुनवाने का मकसद ये था कि जो हमारे वीआईएस पर्सन हैं वो भी इसको सुन सकें और वो भी समझ सकें, उन्हें भी पता चल सके। तो इसमें जो है वो यानी कि हम जो है वो वेबसाइट के लिए अपने कंटेंट निकाल सकते हैं, यानी जितनी भी ये आपको सिर्फ जो है वो टेक्स्ट देगा। आपने अगर स्टोरीज के लिए अपना टेक्स्ट निकालना है, कोई भी स्क्रिप्ट है, कोई भी म्यूजिक है, पोम्स हैं, इस तरह की चीजों के लिए, यानी कि जो जिस चीज के लिए आपको मटेरियल आपको ये पूरा देगा, और आपने जो है वो अपने हिसाब से आप उसको किसी वेबसाइट के लिए यूज कर सकते हैं, मीडिया के लिए, और आप इसे पर्सनल यूज के लिए भी कर सकते हैं, यानी आपको कोई भी अपने पर्सनल है वो यानी कि अपने कॉन्टेंट बनाना है, इसके अलावा अपने प्रोफेशनल जो है यूज आपके वेबसाइट का है, सोशल मीडिया के लिए आपने यूज करना है, तो ये तमाम चीजें आप इससे इस चीज के लिए जो है वो आपको ये कॉन्टेंट प्रोवाइड कर सकता है। ईमेल्स वगैरह जो है वो इसमें आप अपने लिए कंडक्ट करवा सकते हैं कि आपने प्रोफेशनल वे में किस तरीके से मेल करनी है वो आप जो है वो कर सकते हैं। इवेंट वगैरह है उसके लिए अगर आपने जो है वो प्लान करना है, कोर्स आउटलाइन वगैरह है, ये तमाम चीजें अब ये करनी किस तरीके से है ये भी आपको जो है वो इसी ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा। बहुत जबरदस्त। अच्छा इसमें हम लोग जो है वो हमारे पास जैसे जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं, अब फेसबुक की पोस्ट के लिए भी हमें टैग्स की जरूरत होती है, यूट्यूब का अगर कोई चैनल चला रहा है या अपने चैनल को बहुत हाई लेवल तक जाना चाहता है, अपनी वीडियोस को जो है वो यूट्यूब के एल्गोरिदम के साथ टच करवाना चाह रहा होता है, तो उसके लिए भी आपको अप टू डेट टैग्स की जरूरत होती है जो कि ट्रेंडिंग टैग्स होते हैं, उन पर कॉम्पिटिशन भी कम होता है। तो यहाँ पे जो है वो चैट जीपीटी हमें एक वीडियो के टाइटल के टैग्स भी निकाल के देता है और 20 अबव टैग्स वो हमें आसानी से जो टॉप रेटेड टैग्स होते हैं वो निकाल के दे देता है, तो ये भी हमारे लिए काम की चीज़ है। प्लस हमारे पास जो मूमन वीआईएस के साथ एक प्रॉब्लम ये आता है कि हमने चूंकि जो इंग्लिश मॉडल स्कूल्स हैं वहाँ से नहीं पढ़ा होता, या फिर हमारे पास जो बुक्स होती हैं ब्रेल में वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होती, तो हमारी लैंग्वेजेस में स्पेलिंग्स का बहुत इशू आता है, तो स्पेलिंग्स और ग्रामर को भी बहुत बेहतरीन तरीके से ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, क्योंकि हम इससे जब एक कंटेंट ले रहे होते हैं, एक तो प्रॉपर हम इससे कॉपी पेस्टिंग नहीं कर पा रहे होते, जाहिर सी बात है कॉपी पेस्टिंग करेंगे तो एक चीज़ बहुत आसानी से सामने आ सकती है, चैट जीपीटी पे एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ और एक क्वेश्चन मैं सक्षम लिख रही है, तो दोनों का आंसर एक ही आ रहा होगा, तो इसलिए हमें इस चीज़ को बहुत देखना होगा कि जो हमारे पास कॉन्टेंट आ उसको हम किस तरह से अपने लिए इस काबिल बनाएं कि हम उसको यूज़ कर सकें। तो इसमें हमारे पास जो स्क्रिप्ट राइटिंग है, अच्छा इसमें हमारे पास क्रिएटिव राइटिंग भी है, प्लस हमारे कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि हम जो कॉम्पिटिशन करते हैं लाइक ऐसे कॉम्पिटिशन हो गया या कुछ कोई कॉम्पिटिशन हम कर रहे हैं जिसमें हमारी कोई राइटिंग की जरूरत है या कॉन्टेंट हमने निकालना है, तो क्या उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि जो इस तरह की चीज़ें होती हैं उनमें टॉपिक्स उमूमन एक ही होते हैं या थीम्स एक ही होती हैं। हाँ आया तो हम बहुत स्मार्ट हैं कि हम कीवर्ड्स को जो है वो सिनोनिम्स के साथ या अल्टरनेटिव वेज में यूज करते हुए चैट जीपीटी से कंटेंट निकाल रहे हैं, या हम कॉन्टैक्ट्स वहां से ले रहे हैं, उसकी हेल्प ले रहे हैं और उसके साथ हम करना चाह रहे हैं, तो वो तो एक चीज समझ में आती है, लेकिन प्रॉपर आप कॉपी पेस्टिंग चाह रहे हैं तो ये कॉम्पिटिशन में आपको एटलीस्ट हेल्प नहीं करेगा। तो इसके अलावा अगर आप क्रिएटिव कर रहे हैं तो सजेशन ये है कि क्रिएटिव राइटिंग का मतलब ये होता है कि आपकी अपनी कोई क्रिएटिविटी हो, आपकी अपनी तखलीक हो, इसमें अगर आप इस तरह की एप्स को यूज करते हैं इससे आप अपने नॉलेज को गेन कर सकते हैं, आप अपने कॉन्टैक्ट्स को बेहतर बना सकते हैं, अपनी अपनी वोकैबुलरी पे ग्रिप कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप उस राइटिंग को या उस उन सिनेरियोस को यूज नहीं कर सकते, बिकॉज फिर वो क्रिएटिविटी कहीं पीछे रह जाएगी और आप जब वो दिखेंगे तो बहुत इफेक्टिव, मतलब आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी वो सब चीज़ें, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी कहीं पीछे रह जाएगी इसमें। इसके अलावा जो फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए बहुत ही मजे की चीज़ है, हर किस्म का कंटेंट यहाँ पे मतलब अवेलेबल है, जो भी आप जिस एतबार से आप ब्लॉगिंग करना चाह रहे हैं, आप ब्लॉगिंग करना चाह रहे हैं, आप जो है वो डिस्क्रिप्शन लिखना चाह रहे हैं, आप अच्छे टाइटल्स देते हैं पोस्ट वगैरह के लिए, इसके अलावा कुछ भी मार्केटिंग के हवाले से जो ये जो लीड जनरेशन होती है इसके हवाले से जो कॉन्टेंट आपको रेडी करना होता है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपको देनी होती है, या फिर आपको जो मार्केटिंग मटेरियल चाहिए होता है, इन सब के लिए आपको चैट जीपीटी सपोर्ट करता है। Slide 3, introduction to ChatGPT. Slide 4, how many ways ChatGPT. Slide 5, account creation and input. Slide 2, Naveed Malik has left the meeting alert.
Two people have joined the meeting alert. You are muted. Screen sharing meeting control, PowerPoint post-its and Zoom group, WhatsApp row 1 column, PPT of chat GPT, screen sharing meeting control, screen sharing meeting controls window. Audio now unmute alert. अच्छा जी मतलब एसएन ने जो बताया कि भाई इसमें आपके पास वही वाली बात है कि आपके पास मटेरियल तो है लेकिन उस मटेरियल को यूज आपने कैसे करना है ये आपने खुद डिसाइड करना होगा ठीक है. तो अब इसके बाद बारी आ गई है फाइनली उस स्टेप की जिस स्टेप में आपको अकाउंट क्रिएट करना और उसके बाद चैट जीपीटी का क्या इनपुट है वो आपके पास जो है वो ऑप्शन आ गया. तो और इस ऑप्शन को या इस स्टेप को जो है वो आपको एहसन एक्सप्लोर करवाएंगे कि अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है उसके बाद उसका क्या इनपुट है और उसको किस तरीके से करना है ये आपको सिखाया जाएगा. थैंक यू जी एहसन. अच्छा ये बहुत सिंपल वे में हम लोग इसको सीखेंगे. ज्यादा पैनिक होने की भी इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी हम लोगों को. और जो हमारे वीआईज हैं मैं चाहूंगा कि वो फ्रंट फुट पे रहें सबके लिए और वो हरावल दस्ता रहेंगे तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है. जो हमारे साइटेड पर्सन्स हैं उनके लिए बहुत इजी स्टेप्स हैं ये साइन अप और उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड और ये सब देन आपका अकाउंट क्रिएट. लेकिन जो हमारे वीआईज हैं मैं चाहूंगा कि वो हमारे साथ साथ एक्शंस को परफॉर्म करें ताकि उनके लिए इसमें आसानी. Salman Sultan has lowered hand alert. Audio now muted alert. Salman Sultan raised hand alert. You are muted. Press Alt plus A to unmute your microphone or press and hold the space key. NVDA menu. Preferences submenu P. Settings. Speech dictionary submenu settings S. And general prompt save Salman Sultan show exit on play sounds when login level. Start NVDA after I use NVDA sound. Use currently saved settings during sign in and on secure screens. Requires administrator. Use at start login place show exit option save configuration NVDA language. Requ- categories list general 1 of 4 apply button alt plus a. Categories list general 1 of 14 speech 2 of 14. Change button alt plus a voice combo box omer variant combo bar rate slider 50 alt plus R. 50 52. 50. 50 39. 441. 40. PPT of chat GPT PowerPoint. Product activation failed. Slide 5. Account creation and input. Slide 2. Folder view list. Recycle bin 1 of G. Google Chrome G. Goldway 5 of 23. GG, Google Slides 20 of 20, Google Drive 21 of 20, Google Chrome 4 of 20. New tab, Google Chrome Access, Person 1, Toolbar, Address and Search Bar, Edit as Autocomplete. SATCOM has joined the meeting alert. Share this page button. Bookmark this tab button. New tab, Document, New tab, Frame, Banner, Landmark, Visited, Right Browser, Link, Visited, Link. Mail, Graphic, Google Workspace, Loading Standard View Button, Load Basic HTML, For Slow Connection, Blank, Include Line. Visit Collapse, Visit Search Landmark. Button of A, Collapse, Banner, Landmark, Button, Collapse, Main Menu, Visited, Link, Mail. Button, Collapse, Visited, Link, Using Mail with Screen, Visited, Link, Skip to Content. Blank. Skip the content visited link. Using mail with screen readers collapse visited link. Banner landmark button visited search landmark heading clickable search button advanced search button of a clickable menu button collapse clickable button settings. Button collapse Google apps. Button Google account access. Group in https://access.auto. Access auto link menu button collapse sub menu button collapse sub menu nice audio. Menu button collapse sub menu the super audio at mail.com. Menu button collapse sub menu signed out. Menu button collapse sub menu mirror auto. Menu button collapse sub menu signed out. Menu button collapse sub menu exit NSDLP. Menu button collapse sub menu accents with mail.com. Menu button collapse. Signed out access NSDLP accents with mail.com. Signed into accents with mail.com. Opens a new tab. Remove accents with mail.com. Expanded. Menu button expanded sub menu. Menu button expanded sub menu. Signed into accents with mail.com. Opens a new untitled Google SATCOM has left the meeting alert. Untitled Google Chrome access. Person 1. Accounts.google.com/v3/signet/confirm-identifier-dsh=2,096,000,000. Next button. Blank. Welcome. Enter your password. Edit protect. Start. Dialog, document, switch to existing Chrome profile, dialog, a Chrome profile with this account. Cancel button. OK button. Cancel button. Mail inbox, Google Chrome access, person 1. SATCOM has joined the meeting alert. PPT of screen sharing meeting controls, all one, new share, alt plus shift, audio now unmute alert. अच्छा जी अब हम लोग अकाउंट क्रिएशन की तरफ जा रहे हैं तो अपने अपने सीट बेल्ट बांध लें. सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे जाएंगे. मेल इनबॉक्स गूगल क्रोम रो 1 कॉलम 2 मेल इनबॉक्स गूगल क्रोम बैक चले गए. अच्छा जी हम लोग जो है वो अपनी जॉर्ज की स्पीड स्लो कर लेते हैं
ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। Link maps on the link. Link layout on the link. Screen sharing meeting controls on blue share. Outlet. Folder view list. Google Chrome 423. Chrome. Bottom Chrome. Google. Chrome. Bottom Google Chrome. Movie Maker 323. Bottom Movie Maker. Top Movie Maker. Google Chrome. Screen sharing meeting controls 01. Audio now news alert. NVDA menu. Preferences subsettings S. NVDA settings general speech 2 of 14. Braille 3 of 14. Sound. E. Braille selected row 3 and categories. Review input object presentation 9 of 14. Object presentation. Windows OCR 12 of 14. Windows OCR 12 of 14. Sound consultant has joined the meeting alert. Screen sharing meeting control. Mail inbox Google Chrome row 1 column 3. Mail inbox document, link search, link images, link maps, link, NVDA preferences submenu P, settings, speech dictionary settings, S, NVDA settings, Windows OCR, normal config, advanced 13 of 14, general, speech 2 of 14, speech change, button voice, comma variant, combo back rate, slider 50, alt plus 49, 48, 450, 44, 41, 40, rate pitch, and head, rub, and shorten, pause, sample rate, on, up, punch, trust voice, include, delay, descript, cap, say, cap, beep, okay, cancel button, apply button, all categories, list, speech, apply, cancel button, okay button, mail inbox document, link search, link images, link maps, link, play, link, new tab, Google Chrome Alexa, person 1, toolbar, address and search bar, edit. New tab, Google Chrome, mail inbox, Google Chrome, row 1, column, mail inbox. New tab, Google Chrome, row 1, column 2, new tab, screen sharing meeting controls, row 1, column, screen sharing meeting, audio now unmute alert. अच्छा जी, इसमें आप लोगों को थोड़ी सी hesitation हो सकती है, जो हमारे पास साइटेड पर्सन है, मैं उनसे प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो हमारे साथ थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा, क्योंकि जब हम स्क्रीन रीडर होते हैं तो देखने में वो ऑप्शन हमें सामने नजर आ रहा है, लेकिन हमने उस अपने कर्सर को उस तक लेके जाना है, तो उसमें जो स्क्रीन रीडर है बहुत मतलब आपको ऐसा लगेगा कि बहुत शोर कर रहा है या बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, तो बहुत नॉइजी सी फील आपको आएगी, तो इसमें प्लीज आप कॉपरेट कीजिएगा ताकि जो हमारे वीआई स्टूडेंट्स हैं वो बहुत प्रॉपरली इस चीज को समझ सकें और वन टेक में वो इस चीज को गेट कर सकें। हम आप अकाउंट क्रिएशन की तरफ चलते हैं। New tab Google Chrome row 1 New tab Google Chrome Alexa person 1 toolbar। सबसे पहले हम न्यू टैब में गए, Google Chrome पे एंटर करने के बाद हमने समझ लें ऑल डी किया और उसके बाद हमने लिखना है chat.gpt chat dot यानी पीरियड देन gpt gpt chat unselected t unselected chat.openai.gpt logo selected instead gpt google.com/search q=chat.gpt plus logo and rlz equals 1c1chbdnpk1058pk10 clickable search modes heading level main landmark clickable search results heading level 1 clickable images for chat.gpt heading level 2 link guided search filters heading level clickable introducing chat.gpt heading level 3 visited link is your introducing chat.gpt hai is pe humne enter karna hai Introducing ChatGPT, banner landmark link current page, skip to main content, link OpenAI, button menu, heading level 1 introducing ChatGPT, we've trained a model. Heading level 1 introducing ChatGPT, we've trained a model called ChatGPT which interacts in a conversational way, the dialogue format. यह हमें बता रहा है कि जो इन्होंने पूरी की प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दे रहा है, ये ChatGPT OpenAI की प्रोडक्ट है, एक कंपनी है OpenAI, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है, उनकी प्रोडक्ट है ChatGPT. Makes it possible for ChatGPT premises and reject inappropriate requests. Heading level 2 quick links. List with two items visited link try chat GPT. Try chat GPT. यानी इसको हम try करने जा रहे हैं. इसको हम enter करेंगे. Untitled Google Chrome Alexa person 1. Chat main landmark. Send a message. Edit multi-line blank. ये इसने send a message खोल दिया हमारे पास just because कि हमारे पास जो account है वो login था. क्योंकि इस email ID पे account बना हुआ है. एक email ID पे एक ही account बना होता है. ठीक है. आप जैसे ही try dot GPT पे enter करेंगे तो आपके पास Nayat Mapara has joined the meeting alert. ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी कोई नई आईडी लॉगिन करते हैं ताकि हम वहां पे आपको साइन अप करना सिखा सकें। Screen sharing new share audio now mute alert. Chat GPT Google Chrome row 1 column 2. Chat GPT space. You are muted. Press alt plus A to unmute your microphone or press and hold. New tab Google Chrome Alexa person 1. Naveed Malik has left the meeting alert. ChatGPT Google Chrome row 1 column 2.
ChatGPT, Google Chrome, Alexa, Person 1, ChatGPT, dot out of edit button unavailable, clickable. Space. Elements list dialog, ChatGPT. Upgrade to plus career plan and career plan creative, hindsight, new chat. ChatGPT, Google, space. Free research preview, chat link, ChatGPT, May 24, clickable. Click blank, blank, blank. Space. No next edit field. Space, no next edit field. New tab, Google Chrome, row 1, column 2. Screen sharing PPT of chat PowerPoint slideshow. P. Navid Malikas joins the post attendee Zoom Google Chrome WhatsApp row 2 column 4 ChatGPT Google Chrome row 1 ChatGPT Google Chrome Alexa space no next edit field blank clickable clickable main landmark link ChatGPT May 24th version free research brief button sent out of edit list with 3 items limited knowledge of world and event may occasionally produce harmful instructions or biased content. Introducing ChatGPT Google Chrome Alexa Person 1 introducing ChatGPT document link read about ChatGPT Plus. Elements list dialog, preview, read about ChatGPT plus 4S, scaling laws for reward model over optimization, safety standards 40S, security 52 of S, SoundCloud 50S, skip domain contest, scaling laws for reward model over optimization 25 of 60 level 0, introducing ChatGPT document. Out of list banner landmark link, link OpenAI, button menu, heading we've trained a model called heading level 1 introducing ChatGPT banner landmark button menu. Pause. Mobile nav site navigation land button close site clickable heading left clickable heading level 3 button collapse product clickable heading level 3 button collapse research click clickable heading level 3 button collapse developers link safety clickable heading level 3 button collapse company quick links navigation land list with 2 items link login link sign up new tab Google Chrome screen sharing meeting controls row screen sharing meeting controls window audio now unmuted alert. ChatGPT को ओपन किया तो हमारे पास सबसे पहले कंट्रोल होम करने के बाद जब हम डाउन एरो से नीचे आ रहे हैं तो हमारे पास मेन्यू बटन आ रहा है. मेन्यू पे जब हम क्लिक करेंगे तो मेन्यू हमारे पास खुल रहा है. उसमें हमारे पास प्रोडक्ट कंपनी सेफ्टी और क्विक लिंक्स ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं और नीचे हमारे पास आ रहा है लॉग इन या साइन अप. यहाँ से हम साइन अप पे एंटर करेंगे. Introducing ChatGPT Google Chrome row 1 com mobile link login link sign up. WhatsApp row 2 column 4. Introducing ChatGPT screen sharing meeting and screen sharing audio now unmute alert. ठीक है हम चलते हैं अपना. Introducing ChatGPT Google mobile navigate link login link sign up. Untitled Google Chrome Alexa Person 1 OpenAI API Google Chrome Alexa Person 1. Document main landmark email address edit required blank. सबसे पहले इसने हमसे मांगा है हमारा ईमेल एड्रेस. मैं करूं A has not you. S A N S D L P Accents add G M A I L Menu selected submenu. Document main landmark email dot C O M com dot mail add mail dot mail add P add G M A I L dot C O M blank. Continue button. I'm going to continue, babe. टैप करने के बाद कंटिन्यू आया है. कंटिन्यू पे हम एंटर कर देंगे. डॉक्यूमेंट मेन लैंडमार्क पासवर्ड एडिट प्रोटेक्टेड रिक्वायर्ड ब्लैंक. इसे पासवर्ड जो मांग रहा है. अच्छा इसमें हमने अपने ही ईमेल का पासवर्ड देना है जो हमारे इस अकाउंट का पासवर्ड है. स्टार 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 योर पासवर्ड मस्ट कंटेन चेक एट लीस्ट 8 कैरेक्टर्स बुलेट ब्लैंक बुलेट 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 Show password button. Continue button. फिर continue पे enter कर देंगे. Toolbar, bookmark this tab, open mail, visited link. Click the link inside to get started. We sent an email to Accents to put mail heading level 1, verify your email. Heading level 1, verify your email. अभी हमसे कह रहे हैं, verify your email. यानी आप हमारे मेल पे ये verify करने के लिए एक लिंक भेजेगा जिस पे टैप करेंगे हम. We sent an email to accents@mail.com. Click the link inside to get started. Visited link open mail. हम open mail पे एंटर कर देते हैं. Untitled Google Chrome Alexa Person 1 mail busy https://blank alert blank. Clickable main landmark primary property page table with 50 rows and 8 columns row 1 column 2 unread. Shay and Raza via go spread column 1. Out heading level 3 tab promotions. Fifth heading level 2 conversations. Click button unavailable newer. But click button refresh. Menu nav button create new label. Button more. Clickable 54. Link to click clickable link snoozed. Click my visit button. Click that button. Collapse Google Apps. Button Google account. Accessada. Accessada to mail.com. Expanded. Account and settings dialog. Account and settings dialog. Nayat Mapara the Axe. Link manage your Google account. Link link accents to mail.com. Untitled Google Chrome Axa. Person 1. Mail inbox busy. HTTPS. M2N and IDNS has left the meeting alert. HTTPS. Images link. Heading level 2 account options. Accents to mail. Heading level 1 link graphic mail by Google. Blank.
Search edit button, search link, show search options, link, create a filter, blank. Link alt plus C, compose heading level 2 folders, table with 50 rows and 4 columns, row 1, column 1, checkbox not checked. Column 2, OpenAI. OpenAI के हमारे पास मेल आ गया। Column 3, link OpenAI, verify your email address to continue setting up your OpenAI account. अब verify your email address ने बोला है, इसे हमें मेल भेजिए, instant mail हमारे पास आ गई, हम expect कर देते हैं। Mail OpenAI, verify your email, link search, link images, link maps, link head, link search, edit button, search mail, blink, link, head, link, link, send mail. Email down arrow से नीचे जा रहा है. Link spam, link blank, heading blank, heading level, link edit blank, link double one of hunt, link graphic print, link heading, link graphic add star, heading level from on, jump to accents to put mail.com, link alt plus R reply, link alt plus R reply to all graphic OpenAI, heading level one, verify your email to continue setting up your OpenAI account, please link verify email address. Link, verify email address. This link will expire in 5 days. If you did not know it, Mapara has joined the meeting alert. This link will expire in 5 days. If you did not make this request, please disregard this email for. अगर आप इसको आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो इसको डिसरिगार्ड कर दें, वरना 5 दिन के अंदर अंदर इसको क्लिक कर दें, वरना 5 दिन के अंदर अंदर ये एक्सपायर हो जाएगा. Link verify email address. Link verify email address. Untitled Google Chrome access. Person 1 redirected you to https://mandrelip.com. First name edit blank. ये हमारा ईमेल वेरीफाई हो गया. अब हम चैट जीपीटी पे अपना अकाउंट बनाते हैं. फर्स्ट नेम यानी अपने नाम का जो फर्स्ट नेम है हम वो दे देंगे. कोई और देना, मेरा नाम मत देना, अपना दे दो, कोई मसला नहीं. T menu cell R A open A I N E R last name edit blank. First name पे हमने trainer दिया, last name पे हम नई सुबह दे देते हैं. N A I nice S U B A H sub organization name optional edit blank. Organization name optional है, so optional है. Birthday mm/dd/yyyy edit blank. Birthday continue button. Birthday mm/dd/blank. This will be the name of your birthday mm/dd. We will only use this data to verify your age. Birthday continue by clicking continue. By clicking continue, but we will only use this birthday mm/dd/yyyy. Edit birthday. This will be the name of your account, so choose something your team will recognize. Birthday mm/dd/blank. Month hai. सबसे पहले हम month चाहते हैं यहाँ पे. फिर डे डालेंगे. Num lock off. Num lock on. December का वही सितंबर वाला. 0909 star. /// blank. 09. ठीक है, ये हमारे पास सबसे पहले महीना, फिर तारीख और उसके बाद साल. 0926199 continue button. Edit blank. Clickable set. Edit blank. अभी हमें भेजेगा कोड, तो हमें अपना एक्चुअल नंबर डालने के बाद एक बार फिर चेक कर लेना है, क्योंकि अगर इसने कोड किसी और नंबर पे भेज दिया या हमारे पास नहीं आया तो हमारा अकाउंट नहीं बनेगा. नंबर कीबोर्ड से डाल दिया. 0335 3 3 5 3 0 3 0 9 4 9 4. Salim Tapper has left the meeting alert. 2 8 8 2 8 8. 3,350. Send via WhatsApp instead button. Send via WhatsApp. Send code via SMS button. Send code via SMS. हम SMS पे try करते हैं. Dialogue. Verification challenge frame. Visual challenge frame. Clickable heading level 2. Protecting your account. Please solve this puzzle. Start puzzle button. Audio challenge button. Close Arcus Labs enforcement challenge button. यहाँ से हम audio challenge भी ले सकते हैं. Visual challenge. Close Arcus Lab. Visual challenge. Close Arcus Labs enforcement challenge. Search tabs menu. Open AI edit selected 3,350. Select is focused. Type the refined list. Press down to open. Toolbar. Bookmark list. Select is focused. Type the refined list. Press down to open. Edit selected 3,353,000,000. Search tabs menu button submenu. Open AI API. 3,353,000,000,94,000. Button unavailable. Send code via SMS. Edit 3,353,000,94,000. Button unavailable. Send via. Button unavailable. WhatsApp instead. Button unavailable. WhatsApp instead. हम WhatsApp पे मंगवा लेते हैं. Button unavailable. Send via. अब हमें यहाँ थोड़ा सा वेट करना पड़ता है क्योंकि कोड थोड़ा सा इसका देर में आता है. Button unavailable. Send via.
Search tabs menu button. Open AI edit selected 3,350,000. Selected focused. Type verifying list. Press down to up. Blank. Blank option Palau focused 106. Blank option Pakistan. Selected 168 of 250. 250 result. Edit selected 3,353,000,000. Search tabs menu button submenu. Open AI API document selected. Edit selected 3,300,000. Screen sharing meeting controls row. Audio now muted alert. Naveed Malik has left the meeting alert. PM. OpenAI API Google Chrome row. OpenAI API plus 92. Edit 3,353,000,000 button unavailable. Send code via SMS. Out of button. Out of edit button unavailable. S. Button unavailable. Send via. You are muted. Press Alt plus A to unmute your microphone or press. Button unavailable. WhatsApp instead. Button unavailable. Send via. First name edit Iger. Last name edit selected Nisa Ba. Organization name optional edit. Left toolbar bookmark OpenAI API docu. Last name edit. First name edit selected Iger. I-N-I-I-N-E-R blank. R-E-N-I-I-T. Select all CTRL plus A8 of 12 R. A OpenAI API document. Last name edit. First name edit selected timer. T timer unselect I. T-I-N-E-N-I-R-R-T-R-I-A-A-R-A-I-N-E-R blank. Last name edit selected Nisa Ba. Organization name. Continue button. Birthday mm/dd/yyyy edit blank. Z9-2-6-1-9-9-9-0-9-2-6-1 terms link. Continue button. Edit blank. Clickable send code via SMS but edit blank. 3,3,5,3,0,9,4,2,8,8,3,350 Send via WhatsApp. Send edit selected. Selected focused. Type the blank up. Blank option Oman. Focused one. Blank option Pakistan. Selected 168 of 252. Edit selected 3,300,000. Send code via SMS button. Send via WhatsApp instead button. Dialogue, verification challenge frame, document, visual challenge frame, verification challenge frame, visual challenge frame, clickable heading level 2, protecting your account. Please solve this puzzle so we know you are a real person. Button start puzzle, button audio challenge out of frame, button close Arcus Labs enforcement challenge. Visual challenge frame, visual challenge, clickable audio challenge button. Close Arcus Labs enforcement challenge button. PowerPoint slideshow PPT of ChatGPT. Remote control. Reclosed. Open apps panel. Screen sharing meeting control. New tab Google Chrome row 1. PPT of ChatGPT. PowerPoint slideshow PPT. Post attendee Zoom Google Chrome. WhatsApp row. OpenAI API Google Chrome. OpenAI API. Visual challenge frame. Visual challenge. Clickable start puzzle button. Close Arcus Lab. Visual challenge frame, visual challenge, audio challenge button, start puzzle button. Use the arrows to rotate heading level 2. Use the arrows to rotate the animal to face in the direction of the hand. 1 of 3, heading level 2. Remote annotate. Image 1 of 6. Navigate to previous image button. Salim Tabar has joined the meeting alert. Image 6 of 6. Image 1 of 6. Navigate to next image button. Submit button. Button submit. Use the arrow image 1 of 6. Navigate to next. Navigate to previous image button. Submit button. Button submit. Navigate to previous. Submit button.
3 done. That was not quite right. Heading level 2. Try again. Audio chop button. Use the arrows to rotate the animal to face in the direction of the hand. 1 of 3. Navigate the next image. Navigate the previous image button. Submit button. Button submit. Navigate the previous image button. Navigate the next image button. Submit button. Use the arrows to rotate the animal to fit image 1 of 6. Navigate the previous image. Submit button. 3 done. Verification complete. You've proven you're a human. Continue your action. Heading level 2. Blank. Edit blank. Four, five, six, four, eight, two. OpenAI button. OpenAI API document. Toolbar. Bookmark. Continue button. ChatGPT heading level 1. Interact with our flagship language model. DALL-E heading level 1. API heading level. Search tabs menu. Toolbar. Views. Address. Share. OpenAI API document. Link head C. Graphic OpenAI. Graphic OpenAI link heading level 1 ChatGPT. Link interact with our flagship link heading level 1 DALL-E. Link create realistic images and art from link heading level 1 API. Link integrate OpenAI model blank. 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 Link heading level 1 API. Link integrate OpenAI models into your application or business. Blank. 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 DALL-E heading level 1. API heading level 1 in search tabs menu button submenu. Toolbar. View site information address. Share this page. Bookmark this tab button. OpenAI API document. Link heading level 1 API. ChatGPT heading level 1 interact with our flagship graphic OpenAI. Graphic OpenAI. Link heading level 1 ChatGPT. ChatGPT, clickable, clickable. ChatGPT, main landmark, send a message, edit mode. Screen sharing, meeting control, new share, audio now unmute alert. From Bill Olabasi to everyone. Visual challenge, जो है वो हमारे साथ एक volunteer थे, Mr. Naveed भाई, thank you so much आपका. तो इन्होंने हमारे साथ जो है वो cooperate किया और ये visual challenge हमारे लिए solve कर दिया. ये एक पजल देते हैं ये वेरीफाई करने के लिए कि जो अकाउंट बना रहा है रोबोटिक अकाउंट तो नहीं बन रहे, क्योंकि जब ये चैट जीपीटी स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे ह्यूमन अकाउंट से ज्यादा रोबोटिक्स अकाउंट्स बने, तो इनको लगा था कि शायद इनके साथ हैंड हो जाएगा. जिस तरह से अभी अकाउंट्स की लिस्ट आपके सामने बताई, किस तरह एक मैच लेवल तक अपने 4 महीनों के अंदर ये 100 मिलियन का एक टारगेट जो होगा भी नहीं था लेकिन वो अचीव करने में कामयाब हो गए थे. तो इस वजह से इन्होंने ये विजुअल चैलेंज रखा है. लेकिन अगर हम ऑडियो चैलेंज पे जाते हैं, अगर हम खुद अकाउंट बना रहे हैं और ऑडियो चैलेंज पे जाते हैं, तो इसकी ऑडियो क्वालिटी भी इतनी अच्छी होती है कि हम उसको आसानी से सुनकर उस पजल को सॉल्व कर सकते हैं. सो हम इस वक्त इसलिए नहीं गए बिकॉज हम ट्रेनिंग पे हैं, हमने चैट जीपीटी का सिर्फ अकाउंट ही नहीं बनाना, इसका इफेक्टिव यूज आपको सिखाना है. तो इसलिए हमने बेस्ट अपने रिसोर्सेज को यूज करते हुए हमारे पास एक वॉलंटियर थे, तो हमने उनकी हेल्प की और अकाउंट क्रिएट कर लिया. जैसे ही हमने पजल को सॉल्व किया फौरन हमारे पास कोड आ गया. हमारे पास कोड इसी वजह से नहीं आ रहा था, कोड आया, हमने यहाँ कोड डाला और कोड डालने के बाद हमने कंटिन्यू कुछ भी नहीं किया. कोड अगर हमारा करेक्ट डला है तो ये फौरन से हमें चैट जीपीटी की विंडो पर ले गया. उसमें हमारे पास उसने अपना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दिया, कोई इंटरेक्टिव विद आवर फ्लैगशिप प्रोग्राम, जो भी इनके नेक्स्ट प्रोग्राम चल रहे हैं उसके हवाले से. वहाँ पे चैट जीपीटी का लिंक था, हमने क्लिक किया तो ये हमें ले आया सेंड मैसेज पेज. ऑडियो नाउ म्यूटेड अलर्ट. ज़ेन वांट टू जॉइन द मीटिंग अलर्ट. Rita Wasim has joined the meeting alert. You are muted. Press Alt plus A to unmute your microphone or press and hold the space. Chat GPT Google Chrome row 1 column 2. New tab Google Chrome row 1 column 3. New tab Google Chrome Maxa. Chat. Screen sharing meeting control. PPT of Chat GPT. Rupa Amar has joined the meeting alert. PPT of Chat GPT PowerPoint. Product activation failed. Slide 5. Account creation and input. Slide 2. Slide 6. Guidelines for getting more effective results. Slide 2. Title placeholder shape guideline. Object placeholder shape. Be specific. Use keywords. Provide context and more.
Zane Wanda's left the meeting alert. Chat GPT Google screen sharing meeting screen sharing audio now unmute alert. Okay, तो thank you so much Ehsan, बड़े ही आपने दिक्कत के बाद account create कर लिया क्योंकि technical problems होती रहती हैं और उसके लिए तो I'm sorry कि तमाम जो हमारी audience उनको भी wait करना पड़ा, लेकिन जब आप लोग खुद अपने account create करेंगे तब भी आप लोगों को जो है वो काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा. अच्छा जी, कोई बात नहीं, लेकिन हर चीज का हल होता है जैसे कि यहाँ पे भी हम लोगों ने करके भी दिखाया. अब आती है बारी यूज करने की, इस पे हम क्या क्या कंटेंट यूज मतलब किस तरीके से हम इस पे सर्च कर सकते हैं हमारे पास. और ये तो हमने बता दिया था आप लोगों को कि हमारे पास ये तमाम मटेरियल हमने प्रोवाइड करता है, लेकिन उसके लिए जरूरी ये भी होता है क्योंकि जाहिर है ये हमने उसको कीवर्ड्स देने और हमारे कीवर्ड्स ऐसे होने चाहिए कि हम उसको जो गाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो जो भी हम उसको बोलेंगे वो सर्च कर देगा. और जो हम उसको मतलब अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हम जब नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे तो हम कोई ऐसी गैर जरूरी इन्फॉर्मेशन अगर उसको मांगते हैं उससे कुछ भी ऐसे पॉइंट हमारे जहन में, क्योंकि ज़ाहिर है हम बहुत कुछ सोच रहे होते हैं अपने माइंड में, हम कुछ भी मांगते हैं तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन वो हमें नहीं देगा जो उसके पास जो उसमें, क्योंकि एक सिस्टम है तो जैसे हम कंप्यूटर पे जो चीज़ लिखते हैं तो वो लिखता जाता है, लेकिन जो चीज़ उसके माइंड में नहीं होती है तो वो चीज़ वो हमें वहाँ पे वो एरर दे देता है कि नहीं. तो यहाँ पे हमने अपने कीवर्ड्स भी इस तरीके से यूज करने हैं या इस तरीके से उसको कीवर्ड्स देने जो इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड और हमें पता हो कि भाई इसके ये वाली इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ मिल सकती है. तो Ehsan अब हम यूज की तरफ चलते हैं और क्या कहते हैं, आप एक काम करें, आप एक ईमेल टाइप करवाएं. PPT of ChatGPT Doodle Chrome row 1 column 3. ChatGPT Doodle Chrome Alexa person 1 ChatGPT document main landmark send the message edit multi-line blank. Blank. Email related to? आप एक काम करें, email related to training करने. W menu selected sub R I T space blank level balloon 1 of A but anchor 1 of 20 level 2 N blank we are counterclockwise arrows button 18 of N emoji panel is closed. Inspect N 12 of 12. ChatGPT document main landmark send a message edit multi-line WN space space N A N space blank space W menu selected submenu ChatGPT document main landmark W blank R I T E right A N N space E A L L A A I L A space O R 4 space T R A I N I N G training space O F of space E H A T chat dot G P T. GPT. अच्छा जी, Ehsan ने अपना टेक्स्ट लिखा कि write an email for chat GPT. For chat GPT. यानी कि उनको जो है वो ट्रेनिंग की मेल करनी है, उनको रिक्वायर्ड है चैट जीपीटी की ट्रेनिंग वो करवाना चाह रहे हैं, उसके लिए जो उन्होंने ईमेल जो है वो सेंड करनी है, ईमेल जो है वो टाइप करनी है. तो ये उन्होंने लिख दिया है और इस पे फिर उन्होंने सेंड बटन पे जो है ना एंटर कर दिया है. अब देखते हैं उनके पास क्या आया है. Heading level 2 chat history. Chat history navigation link clickable link hide sidebar. Heading level 3 today. List with one items link chat.gpt training session. Link button. Link button collapse link button. Out of list link upgrade to plus new. Menu button collapsed. Menu button collapsed. Submenu accents to put mail.main landmark graphic user write an email for training of chat.gpt. Graphic chat.gpt. Subject chat.gpt training session. Dear recipient's name. I hope this email finds you well. I am writing to inform you about an upcoming training session for chat.gpt, our advanced language model. This training session aims to enhance your understanding and proficiency in utilizing chat.gpt effectively for various tasks. Date, training date. Time, training time, location, training venue or online platform. During this training session, you will have the opportunity to learn about the following topics. List with five items. 1. Introduction to chat.gpt and over 2. Best practices for effective interactions, techniques to adopt chat.gpt and obtain high quality responses. 3. Customizing responses, how to style guidelines. 4. Handling complex queries, strategies for handling complex or accurate and relevant responses. 5. Ethical considerations, a discussion on the response, ethical and unbiased interactions. Out of list, the training session will be interactive and include practical exercises to reinforce your learning. You will also have the opportunity to ask questions and seek clarification throughout the session. To ensure an optimal learning experience, we kindly request that you come prepared with your questions and scenarios where you would like to apply chat.gpt. Please confirm your participation in the training session by RSVP deadline. If you have any specific topics or questions you would like us to address during the training, please feel free to let us know in advance. We look forward to your participation and are excited to share our expertise on chat.gpt. Should you have any further inquiries or require additional information, please don't hesitate to reach out. Thank you for your time and we anticipate a productive training session. Best regards, your name, your position, your organization, contact information, button, regenerate response. जी, तो आप सबने सुन लिया होगा और देखने वालों ने देख भी लिया होगा
कि सबसे पहले अब जब भी हम लोग किसी प्रोफेशनल ईमेल की बात करते हैं, किसी को हम प्रोफेशनली मेल करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले वो हमसे जो है वो हमें अपना सब्जेक्ट देना पड़ता है, तो उसने हमें सब्जेक्ट भी दिया, ठीक है, और फिर उसके बाद उसने मतलब मैं अगर अक्सर ज्यादा मेल कर रही हूँ तो मेरा नाम आ गया, ठीक है, उसके बाद सारी चीजें मतलब रिक्वेस्ट करने के बाद उसने फिर कहा कि भाई आपने किस डेट पे करनी है, आपने वो डेट आपने डालनी होगी, ठीक है, वो टाइम किस वेन्यू में किस जगह पे करवानी वो आपने डालना, और फिर साथ ही उसने आप उस ट्रेनिंग में क्या करवाने वो वाले पॉइंट्स भी उसने आपको दे दिए। अच्छा, ये जो डेट है, टाइम है, वेन्यू है, ये सब आपने खुद एडिट करके डालना होगा, क्योंकि ये रेफरेंसेस होते हैं आपको गाइड करने के लिए कि यहाँ पे आपने अपना टाइम, डेट और जो भी आपका वेन्यू है, जो भी लोकेशन है, वो आपने डालनी है। फिर नीचे लास्ट में बेस्ट रिगार्ड्स, उसके बाद आपका अपना नाम और आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपके जो जॉब जॉब पोजीशन है वो, ये तमाम चीजें आप उसमें ऐड कर सकते हो। इसके बाद नीचे एसएन ये रीजनरेट द रिस्पांस, बटन रीजनरेट द रिस्पांस जी, इस पे करो बटन, देयर वाज एन एरर जनरेटिंग द रिस्पांस, बटन रीजनरेट द रिस्पांस, बटन बटन अवेलेबल, send a message, edit out of edit button unavailable, button unavailable, free research preview, chat out of free slash free, button graphic chat GPT, write an email from out of list heading level free today. Heading level to chat head list link button to link main landmark developed by OpenAI as a language process conversate chat touch across a wide range further refined. I propose a head list with three items. 1. Conversation flow, enhancing extended conversations, ensuring smooth transitions between topics. Conversation out of list further refined its abilities and across a wide range. ChatGPT has already proven to be at its conversational capabilities. Language processing, I believe developed by OpenAI. Hope this email, dear recipient's name, subject, request for ChatGPT training. Dear recipient's name, I hope this email finds you well. I am writing to request training for ChatGPT, the language model developed by OpenAI. As an AI enthusiast and someone who greatly values the potential of natural language processing, I believe that training ChatGPT would be an excellent opportunity to enhance its conversational capabilities. ChatGPT has already proven to be an invaluable tool, providing insightful and engaging responses across a wide range of topics. However, further refine its abilities and make it even more powerful and useful. I propose a comprehensive training program that focuses on the following areas. List with five items. 1. Conversation flow, enhance extended conversations, ensuring 2. User intent understanding, improving the model's comprehension of user queries and intentions, enabling it to provide more accurate and relevant responses. 3. Knowledge expansion, updating the knowledge base of ChatGPT to include recent developments and information, enabling it to provide up-to-date answers on a wide range of topics. 4. Ethical considerations, training ChatGPT generating 5. Real-world application, incorporating real-world data out of list. I understand that training ChatGPT is a complex task requiring expertise and resources. I am willing to collaborate closely with the training team, providing and contributing to the development of the model in any way I can. Please let me know if there are any specific requirements or guidelines I need to follow in order to facilitate this training process. I am eager to contribute to the improvement of ChatGPT and help unlock its full potential as a conversational AI. Thank you for considering my request. I look forward to hearing from you soon and discussing the possibilities of ChatGPT training. Best regards, your name, your contact information, button. आपको कुछ समझ आया कि regenerate response हम तब करते हैं कि हमें, यानी कि एक तो हमें चीज मिल गई, लेकिन उस चीज के बाद ये हमें ये ऑप्शन ये भी देता है कि उस चीज से मजीद बेटर, यानी मजीद अच्छी। पहले उसने हमें एक सिंपल मेल लिख के दी थी, ठीक है, और उसके बाद उसने हमें एक ऐसी मेल टाइप करके दी जो जो कि वो उस ट्रेनिंग को प्रपोज कर रही है, यानी एक प्रपोजल मेल उसने हमें टाइप करके दे दी। और अगर हम इसी तरीके से रीजनरेट पे बार बार करते रहेंगे तो हमारे पास बात तो वही होगी, लेकिन बेटर से बेटर हमारे पास कंटेंट आता रहेगा, और उसमें भी वही सारी चीजें आपकी, वही डेजिग्नेशन और कंटेंट और कॉन्टैक्ट और जो भी सारी चीजें, और साथ ही साथ उसमें ये भी उसने डिस्कस किया कि भाई अगर आपको डिस्कशन करनी है, पिछली वाली मेल में उसने डिस्कशन नहीं, उसने कहा था कि भाई आपको कोई भी रिक्वायर्ड है तो वो आप दे दें, लेकिन इसमें जारी चूंकि प्रपोजल मेल थी तो प्रपोजल देने के बाद फिर हमें डिस्कस भी करना होता है कि कब करना है, कैसे करना है, क्या है, तो वो भी उसने आपको भाई अगर डिस्कस करना है तो वो आप अपनी मेल में रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो ये है इसमें ईमेल करने का तरीका। ऐसे हम दूसरी इस पे भी मूव कर लेते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा था कि हम इसी उस पे रहते हुए सिर्फ एक बार स्लाइड को देख लेते हैं कि हमारे साथ Screen sharing meeting, PPT of ChatGPT, PPT of ChatGPT, PowerPoint, product activation failed, slide 6, guidelines for getting more effective results, slide 2, object placeholder, shape be specific, use keywords, provide context and more. के हम specific रहेंगे एक चीज के ऊपर, यानी जब हम इसको command दे रहे हैं या इसको text दे रहे हैं या इससे question पूछ रहे हैं, तो वो इतना specific हो कि वो सिर्फ उससे related हमें content निकाल के दे, क्योंकि ये natural language processor है, इसमें इसका इस्तेमाल इतना हमें पैशनेट होकर इतना पेशेंस के साथ करना पड़ता है, बिकॉज हम इसके अंदर फ्लो ऑफ नॉलेज है,
इसको हम जो मर्जी देंगे, एक आधा कीवर्ड आगे पीछे होगा, ये उससे कोई अगली हमें सारी जो कॉन्टेक्ट कॉन्टेंट है वो निकाल के दे देगा और हम परेशान हो जाएंगे जो हमने चाहा था। सो इसमें सबसे पहले आप स्पेसिफिक रहें, दूसरे नंबर पे आप कीवर्ड्स यूज करें। जैसे कि अगर मैं लिखता ईमेल फॉर ट्रेनिंग, तो मेरे ख्याल से ये हमें हमारा डिजायर रिस्पॉन्स नहीं देता। अब हमने यहाँ लिखा राइटिंग ईमेल फॉर ट्रेनिंग ऑफ चैट जीपीटी, मतलब चैट जीपीटी ट्रेनिंग को हमने स्पेसिफाई कर दिया, चैट डॉट जीपीटी हमारे पास कीवर्ड आ गया, ट्रेनिंग हमारे पास कीवर्ड आ गया। तो इन दोनों कीवर्ड्स को यूटिलाइज करते हुए उसने हमें रिजल्ट दिया। फिर सबसे पहले जब हम एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद स्केप करते हैं, स्केप करने के बाद वो एडिट फील्ड से उसका फोकस हट जाता है स्क्रीन रीडर का, वी आई पर्सन के हमारे बता। तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जब हम डाउन एरो करते रहे थोड़ी देर तक, उसने ब्लैंक 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 बोला। यानी इसके लिए हमें थोड़ा सा पेशेंट होना पड़ेगा, थोड़ी सी अपने अंदर बर्दाश्त रखनी पड़ेगी कि एकदम से रिस्पॉन्स नहीं आएगा, और मे बी जो फर्स्ट टाइम आया वो रिस्पॉन्स हमारे काम का हो भी ना, हम जो चाह रहे हैं वो रिस्पॉन्स अभी आया ही ना हो, तो हम दोबारा उसको देखेंगे, फिर देखेंगे। अच्छा, हमने 4-5 मतलब एक चीज़ को देख लिया। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिनको इसी कंटेंट को यूज़ करते हुए हम उसको मजीद रिफाइन कर सकते हैं। जैसे paraphrase.eu है, ये एक वेबसाइट है, इसमें हमारा हम अपना सारा कंटेंट लेके कॉपी किया, हमने उसको paraphrase.eu पे पेस्ट कर दिया। अब जो भी इसके अंदर मजीद पैराफ्रेजिंग करनी ना वो उसने कर दी, ताकि हम मतलब ये शो भी नहीं करवाना चाह रहे कि हमने चैट जीपीटी से कॉन्टेंट लिया है, या फिर हम जो है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए हमने ये पूरा प्रपोजल रेडी किया है। तो वहाँ से हम उसको पैराफ्रेज कर लेंगे और वो उसकी मजीद पैराफ्रेजिंग कर लेगा, फिर हम इसको वर्ड पे जाके पेस्ट कर देंगे, वहाँ से हम इसके सिनोनिम्स चेंज कर सकते हैं। तो अपने कंटेंट को जिस हद तक तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं हम इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक पॉइंट है कि इसको कॉन्टेक्स्ट देना है, यानी अगर हम लिखते हैं कि हमें प्रपोजल बनाना है किसी भी हवाले से, या हमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दे दिया, तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हमें देनी है, उस प्रोडक्ट की हमें सेलिंग हमें बतानी पड़ जाएगी कि हम इसको इसकी ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन चाह रहे हैं या फिर उसको हमने फिजिकल मार्केट करने के लिए इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। इस तरह के इसको कॉन्टेक्स्ट देंगे तो हमें बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे सकता है। तो हम अब आगे चलते हैं, आगे चलने के लिए मैं माइक हैंड ओवर करूँगा मिस अक्षय के। जी chat.gpt screen sharing powerpoint slopost attendee zoom google chrome row 2 column 2 powerpoint screen sharing meeting controls chat.gpt chat.gpt training session google chrome access person 1 button regenerate response feedback wala usne button ppt of chat.gpt ppt of chat.gpt powerpoint slide 7 ethical considerations slide 2 title placeholder shape ethical considerations object placeholder shape discussions on the responsible use of AI models like chat.gpt and potential concerns ChatGPT Google Chrome row 1 column 2 ChatGPT PPT of chat screen sharing meeting and screen audio now muted alert audio now unmuted alert ji acha ek isme ab hum ethical ChatGPT Google Chrome row 1 column 2 ChatGPT यानी कि अब हम इसको एक ऐसी कमांड देंगे यानी कि जो कि अनएथिकल होगी, तो उसमें ये हमें देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्ड करता है, ये हमें रिस्पॉन्ड देता भी है कि नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे माइंड में हो सकता है हम मतलब मैं ये चाह रही हूँ कि भाई एस एन इसके बाद मैं ये जानना चाहूँ कि भाई एस एन इसके बाद दूसरी ट्रेनिंग कब करवा रहे हैं। मैं चैट जीपीटी से पूछ रही हूँ कि एस एन की दूसरी ट्रेनिंग कब होगी, तो अब देखते हैं कि एस एन की क्या ये इन्फॉर्मेशन मुझे वो अलाउ करता है कि नहीं। Heading level 2 chat history. Main landmark sent a message. Main landmark sent a message. Edit multi-line blank. W-H-E-N when space W-I-L-L will space D-D space T-H-E the space N-E-S S-X-T-X-T space E-R-A-I I-I-N I-N-G names O-F of space A-H-S-A-N Asin. Out of edit button. Heading level 2 chat clickable link hide sidebar. Headlist link but link but out menu menu button collapsed submenu accents input mail dot main landmark graphic user. Write an email for graphic chat GPT. Button. 3/3. Button unavailable. Subject request dear recipients I developed by open the click 4. Ethical consideration generate 5. Real world application then coordinate out willing to collide. Individuals unless. Button individuals unless it has been shared with me during our conversation. I'm sorry but as an AI language model I don't have access to personal information about. Graphic chat GPT. When will be the next training graphic user? When will be the next training of Asin? Graphic chat GPT. I'm sorry, but as an AI language model, I don't have access to personal information about individuals unless it has been shared with me during our conversation. I can't provide information about the training schedule of a specific person named Asin. Additionally, as an AI developed by
OpenAI, I don't have real-time information or the ability to browse the internet. My responses are, based on the training data I've been provided, which cuts off in September 2021, can I assist you with anything else? Button, regenerate response. जी तो उसने तो मुझे मना कर दिया कि भाई वो किसी की पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर नहीं कर सकता है जो उसके पास बीट हो चुकी है जो उसको दी चुकी है यानी कि वो सिर्फ हमें मटेरियल प्रोवाइड करेगा बट वो हमें किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता उसे नहीं पता कि जो है वो ट्रेनिंग एसएन के लिए कब होगी एसएन को ही पता और एसएन ही बेहतर बता सकेंगे कि एसएन के लिए ट्रेनिंग कब है जी एसएन सही अच्छा था ये आपका फीडबैक बताएगा कि मैं नेक्स्ट ट्रेनिंग कब दे पा रहा हूँ तो इसमें अगर हम इनसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं लाइक मैं अगर इनसे कहता हूँ कि राइट एन ईमेल टू थ्रेट मी सक्सेस आगा तो तब भी हमें ये रिस्पांस नहीं करेगा क्योंकि इसको वायलेंट कंटेंट मानता है तो कहने का मकसद ये है इस पॉइंट पे आपको इतना जोर देने का मकसद यही है कि इससे जितना बेहतर और प्रोडक्टिव कॉन्टेंट हम निकाल सकते हैं वो हम निकाल पाएंगे इससे ज्यादा हम कुछ नहीं निकाल पाएंगे यानी इस कंटेंट का मिसयूज इस चैट जीपीटी का जो कंटेंट है वो हमें अपना कंटेंट मिसयूज नहीं करने देता है button with anything else button regenerate response in button three button 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 with any based on the training space acha ji isi mein hamare paas jaise hamara content khatam hai I'm sorry but as an AI language model I don't have access to personal information about usne maazrat kar li uske baad individual about the training schedule of a specific person named OpenAI I don't based on the training with anything button ye hamare paas aa rahe hain do buttons button. pehla button button dusra button button तीसरा बटन बटन रीजनरेट रिस्पांस और रीजनरेट रिस्पांस तो रीजनरेट रिस्पांस तो लेवल हुआ है बटन बाकी बटन विद एनीथिंग एल्स बटन देख लेते हैं बटन बटन दूसरे बटन में एंटर करते हैं बटन प्रोवाइड एडिशनल फीडबैक डायलॉग बटन प्रोवाइड एडिशनल फीडबैक बटन व्हाट डू यू लाइक अबाउट द रिस्पांस एडिट मल्टी लाइन आउट ऑफ एडिट बटन सबमिट फीडबैक अब ये हमारे पास है फीडबैक फॉर्म इसने हमारे पास खोल दिया है व्हाट डू यू लाइक अबाउट द रिस्पांस एडिट मल्टी लाइन ब्लैंक इसमें ये हमसे मतलब कि हमने जो चीज इससे पूछी इसने हमें वो चीज नहीं दी उससे मिलती जुलती कोई चीज नहीं दी तो हम इसे फीडबैक दे सकते हैं और मैं आप तमाम लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी इससे कोई पूछें आपको एक्यूरेट रिस्पांस मिलता है तब भी आप फीडबैक दें और नहीं मिलता तब भी आप फीडबैक दें क्योंकि आपके फीडबैक के थ्रू ही ये चीज मजीद डेवलप होगी क्योंकि अभी भी ये डेवलपमेंट के प्रोसेस में है सबमिट फीडबैक बटन सबमिट फीडबैक बटन व्हाट डू यू लाइक अबाउट द रिस्पांस एडिट मल्टी लाइन ब्लैंक ये ऑप्शन आ रहा है ब्लैंक क्या लिख सकते हैं आउट ऑफ एडिट बटन सबमिट फीडबैक व्हाट डू यू लाइक अबाउट द रिस्पांस एडिट मल्टी लाइन ये आ रहे होते हैं कि इररेलेवेंट कंटेंट है या वायलेंट है अब्यूसिव है इस तरह के चेक बॉक्सेस भी आ रहे होते हैं उनको भी हम चेक करके प्रोवाइड एडिशनल फीडबैक में अपना रिटन फीडबैक्स करके इसको सबमिट आउट ऑफ एडिट बटन एडिट हेडिंग लेवल 2 प्रोवाइड एडिशनल फीडबैक बटन व्हाट डू यू लाइक अबाउट द रिस्पांस एडिट आउट ऑफ एडिट बटन सबमिट फीडबैक ठीक है हम इसको स्किप करने क्योंकि हमें कुछ फीडबैक क्लिकेबल चैट हिस्ट्री नेविगेशन लैंडमार्क लिस्ट विद वन आइटम्स लिंक चैट जीपीटी आउट ऑफ लिस्ट हेडिंग लेवल 3 टुडे अब इसके हम मजीद बटन चेक करते हैं लिंक 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 आउट ऑफ लिस्ट लिंक अपग्रेड टू प्लस न्यू लिस्ट लिंक बटन कोलैप्स सब मेनू लिंक बटन लिंक chat.gpt आउट ऑफ लिस्ट हेडिंग लेवल 3 टुडे क्लिकेबल लिंक हाइड साइड बार हेड लिस्ट विद वन आइटम आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल आई एम राइटिंग द रिक्वेस्ट ट्रेन एक बार इसकी सेटिंग्स देख लेंगे ताकि हिस्ट्री हमें बार-बार शो ना करे द डिमांडेड चैट प्रोफाइल आई लिस्ट विद 5 आइटम्स 1 कॉन्टेक्स्ट 2 यूजर नेम फ्री नॉलेज 4 एस जेट फाइल एंड आई विल एंड प्लीज लेट मी नो इफ देयर आर एनी टू फैसिलिटेट दिस हेल्प अनलॉक इट्स थैंक यू फॉर कंसीडरिंग माय रिक्वेस्ट हैव अ बेटर नियर कांटेक्ट एंड ग्राफिक यूजर व्हेन विल बी द नेक्स्ट ट्रेनिंग ऑफ अस ग्राफिक्स इंटरव्यू ओपन विद एन बटन अवेलेबल अच्छा एक ही विंडो पे दो चीजें शो कर रहा है जो हमने पहले सर्च की थी वो ऊपर शो कर रहा है नीचे दूसरी शो कर रहा है ये करता रहेगा इसके लिए फिर हमें न्यू चैट लेनी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं कि हमारी एक विंडो पे एक स्क्रीन शेयर हो एक ही जो है वो कंटेंट जो हमने सर्च किया हुआ है वो शो बटन बटन रीजनरेट सेंड अ मैसेज आउट ऑफ एडिट बटन रीजनरेटर बटन चैट जीपीटी डॉक्यूमेंट बटन अवेलेबल बटन रीजनरेट रिस्पांस बटन अवेलेबल बटन विद एन बेस्ड ओपन एआई आई डोंट हैव बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग विद एनीथिंग एल्स बटन with anything else button not available ये बटन जो सेकंड बटन रीजनरेट रिस्पांस वो हमारे काम का था रिगार्डिंग फीडबैक ठीक है उसको यूज हम लोगों ने जरूर करना है ताकि फीडबैक्स हम देते रहें अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं अनएथिकल कंटेंट का चैट जीपीटी में फिलहाल कोई काम नहीं है कंटेंट मिसयूसेज का भी कोई काम नहीं है इसी कंटेंट को प्रोडक्टिव वे में यूज करते हुए आप आगे चल सकते हैं अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है टेक्निकल टेक्निकलिटी से रिलेटेड कि अब हम इसको मिसयूज या इसको यूज कर पा रहे नहीं कर पा रहे लास्ट टाइम प्रॉब्लम स्क्रीन शेयरिंग मीटिंग कंट्रोल ऑडियो नाउ यूज अलर्ट
You are muted. Result list. अस्सलाम वालेकुम अक्सा और ऐसे आवाज आ रही है आप दोनों को? वालेकुम अस्सलाम जी जी आवाज आ रही है आपकी? अस्सलाम. अच्छा मेरा एक सवाल है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक कंटेंट जनरेट कर लिया है, सही है, एंड वो मुझे समझ नहीं आया और फिर मैं उसको रीजनरेट रिस्पांस कर दूं और फिर वो भी मुझे समझ में नहीं आया और मुझे पहले वाला ज्यादा बेहतर लगा, तो मैं उस पहले वाले पे वापस कैसे जाऊंगी? अच्छा सवाल है आपका. इसमें सबसे पहले तो ये हो सकता है कि हम इसका प्रिकॉशन ले लें, यानी हम अपने पास कोई वर्ड या नोटपैड की फाइल खोल लें ताकि हम उस कंटेंट को सबसे पहले कॉपी कर लें. अच्छा कॉपी का समटाइम कॉपी बटन आ रहा होता है कुछ वेबसाइट्स पे जिस तरह आता है कंटेंट के हवाले से, लेकिन यहाँ चैट जीपीटी पे अभी तक कॉपी बटन हमारे पास या एक्सपोर्ट रिस्पांस का ऑप्शन नहीं आया है. बार्ड में आ गया है, हालांकि बार्ड जो है वो May 2023 को रिलीज हुआ है, तो उसके हवाले से भी हम थोड़ी सी बात करेंगे बार्ड के हवाले से. तो अगर हम इसको देखें कि जो हमारे पास हम रीजनरेट रिस्पॉन्स कर लेते हैं तो उसके बाद जो रिस्पॉन्स आ जाएगा, समटाइम्स तो ऐसा होता है कि ऊपर वाला रिस्पॉन्स भी हमारे पास एक विंडो में शो हो रहा है और अगर नहीं भी शो हो रहा तो फिर हम उस पर वापसी नहीं जा सकते. लेकिन जो हमारे पास रीजनरेट रिस्पॉन्स करने के बाद रिस्पॉन्स आ रहा है ना, वो उससे बहुत हद तक रेलिवेंसी रख रहा होता है. तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हमने पहला कंटेंट देखा तो वो 20 दिखा रहा था, अगले में 25 दिखा रहा था, तो इसमें ये है कि हम उसको यूज कर सकते हैं जो नेक्स्ट आ रहा है. और अगर आपको वो बेहतर लग रहा है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने जो क्वेश्चन उनसे पूछा है वो आप दोबारा चैट जीपीटी खोल के दोबारा पूछ लें, क्योंकि इसमें बैकवर्ड आने का कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम पीछे आते हैं. Audio now unmuted alert. मेरे जवाब से अगर satisfy हैं तो please बता दीजिएगा और next अगर किसी का question है तो. Audio now unmuted alert. Thank you so much. Audio now unmuted alert. Audio now unmuted alert. Assalam alaikum. Audio now unmuted alert. Wa alaikum assalam. पहले तो जो मैम ने सवाल किया था उसको थोड़ा सा बताना चाहूंगा. उसमें जो आपने नोटपैड वाली बात की उसमें एडिशन थोड़ी सी ये करूंगा कि आप जब भी कोई रिस्पॉन्स उसे जनरेट करवाते हैं जीपीटी से, तो पहले तो अब ये काम करेंगे नोटपैड या वर्डपैड की फाइल ओपन करके वहाँ पे आप सारे के सारे रिस्पॉन्सेज 2-3 या 4 पेस्ट कर दें. देन आप वहाँ पे चेक करें कि आपको सबसे ज्यादा बेहतर रिस्पॉन्स कौन सा लग रहा है, उसको कॉपी करके बाकी ये फाइल आप बेशक रखना चाहें तो रख दें वरना उड़ा दें. और अब मेरे दो सवाल होंगे, सवाल दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. पहला सवाल ये कि जो हम चैट जीपीटी से रिस्पॉन्स जनरेट करवाते हैं क्या उसकी एआई डिडक्शन होती है जिस तरह प्लेजरिज्म की डिडक्शन होती है पुलिस सॉफ्टवेयर के थ्रू, जो एचईसी का मेन सॉफ्टवेयर होता है वो भी और बाकी जो मुख्तलिफ डिडक्शन सॉफ्टवेयर होते हैं, तो चैट जीपीटी की जो जनरेटेड रिस्पॉन्सेज है उसकी एआई डिडक्शन होती है? अगर होती है तो उसको डिडक्ट करने का क्या तरीकाकार है और उसको खत्म किस तरीके से किया जा सकता है? ये तीनों सवाल है इंटरकनेक्टेड है काइंडली. थैंक यू. ऑडियो नाउ म्यूटेड अलर्ट. यू आर म्यूटेड. रिजल्ट प्लस 6. अगर आप बोल रहे हैं तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही. सॉरी, आपका जो सवाल है ना उसका जवाब भी हम पहले दे चुके हैं. उसमें ये है कि जैसे मैंने कहा था कि अगर कोई कंपटीशन है तो उसमें एक ही टॉपिक या एक ही थीम है. अब 10 बच्चे उस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं और 10 के 10 अगर चैट जीपीटी को यूज करना चाह रहे हैं तो वो सब जब चैट जीपीटी पे लिखेंगे तो चैट जीपीटी तो एक ही है, तो वो उनको एक ही तरह का रिस्पॉन्स दे रहा होगा 19-20 करके.
ठीक है, तो प्लेजरिज्म के सॉफ्टवेयर्स पे इसी कंटेंट को अगर हम इसकी पैमाइश करेंगे तो आसानी से पकड़ा जा सकता है और एक ह्यूमन ब्रेन भी आसानी से उसको डिटेक्ट कर सकता है। अगर मैं लेट सपोज एग्जामिनर हूँ और मेरे पास पेपर्स आए हैं 4-5 चेक करने के लिए और क्वेश्चन पूछा हुआ एक ही, लेट सपोज 14 पॉइंट्स ऑफ कायदा हमने पूछे, अब सब बच्चों ने अगर चैट जीपीटी से निकाले हैं, अब कुछ बच्चे स्मार्ट होते हैं वो उस तरह से कर लेते हैं कि नेहरू रिपोर्ट का रिप्लाई कायदा ने क्या दिया, अब उसमें उसने कॉन्टेक्स्ट की वजह से कुछ चीज़ें एडिशनल कर दी, कुछ चीज़ें चेंज कर दी, तो ये एक सबसे हटके हो गया। बाकी बच्चों ने अगर सीधा सीधा पूछ लिया भाई 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आजम या कायदे आजम के 14 नुकात उर्दू में लिख लिया, उर्दू में भी ये काम करता है। अच्छा, इंग्लिश में लिखने के बाद आगे आप इन उर्दू लिख देंगे तो आपको रिस्पॉन्स उर्दू में देगा, या इन समथिंग एल्स लिख देंगे तो जो भी लैंग्वेज आप लिखेंगे तो उस लैंग्वेज में आपको रिस्पॉन्स देगा। चैट जीपीटी 200 लैंग्वेजेस के ऊपर काम करता है फिलहाल, तो ये बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि ये ना पकड़ा जाए तो मैंने आपको 2-3 तरीके बताए कि एक तो एक वेबसाइट है paraphrase.eu, इसको आप अपना कंटेंट इस पे पेस्ट करके उसकी पैराफ्रेजिंग करवा लें, उसके बाद उसी पैराफ्रेजिंग के कंटेंट को उठा के आप वर्ड पे पेस्ट करें और वहाँ से उसके सिनोनिम्स को चेंज कर लें, तो आपका कॉन्टेंट किसी हद तक इन सब चीज़ों से बच सकता है। चलें जी, इस सारे मामले में मैं अगर आपकी बात में थोड़ी सी एडिशन करना चाहूँ तो इसकी इजाज़त होगी मुझे? जी जी सर बिल्कुल। अच्छा, इसमें जब हम कोई भी रिस्पांस जनरेट करवाते हैं ना, तो जो कुछ भी हमने लिखा है उसके पीछे हम ये टैग लाइन देते हैं या प्रॉम्प्ट जिसको कहा जाता है वो देते हैं कि जी ह्यूमनली जनरेटेड विद लेस कोहेरेंस। You are muted. Press Alt plus A to unmute. जाती है। उसके बाद एक और तरीका है इसको डिटेक्ट करने का, उसका नाम है zero GPT, जिसमें जाकर आप सारा का सारा टेक्स्ट पेस्ट करेंगे, यहाँ 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 और यहाँ से लिया, तो उसको भी आप पैराफ्रेजिंग करके या सिनोनिम्स वगैरह चेंज करके आप उसकी डिडक्शन जो वो खत्म कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। मीन एक्सपोज विद ऑल अभी लगा मीन अलर्ट ऑडियो नाउ ऑन म्यूट अलर्ट थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा और हमारे लिसनर्स के लिए भी बहुत शुक्रिया, आपने हमारी मालूमात में इजाफा किया। मजीद अगर किसी का कोई सवाल है वरना हम आगे बढ़ें। अस्सलाम वालेकुम, मैं सवाल कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सवाल कर सकते हैं। अच्छा सर, मेरा सवाल ये था कि चैट जीपीटी पे जैसे हम कंटेंट सर्च कर रहे हैं और हमें बिल्कुल एक्यूरेट आंसर मिल रहा है, तो क्या इस तरीके से हम इस्लामिक कंटेंट जो है वो भी इस पे सर्च कर सकते हैं और किस हद तक के सर्च कर सकते हैं? अदल, अपने क्वेश्चन को प्लीज स्पेसिफाई करें, आप तो हमारे लिए भी स्पेसिफाई नहीं कर रहे, चैट जीपीटी के लिए तो बहुत स्पेसिफाई करना पड़ेगा। बिल्कुल, अच्छा इस्लामिक कंटेंट में अगर आप बात कर रहे हैं इस्लामिक हिस्ट्री से रिलेटेड तो ये आपको भरपूर कंटेंट देगा। अगर आप किसी आयत या सूरत का तर्जुमा इससे पूछना चाह रहे हैं तो मे बी वो आपको देगा, वो आपको ज़रूर देगा, लेकिन अगर आप कोई ऐसा क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं जो कॉन्फ्लिक्टेड है तो मे बी वो आपको उसका आंसर ना दे, या कोई फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, यानी लेट सपोज कोई इसको बुरा ना माने लेकिन अगर हम ये पूछना चाह रहे हैं कि इमाम मेहदी कब आएंगे, तो ऑब्वियसली चैट जीपीटी इसका रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो जो कंटेंट हमारे पास वैसे ही नेट पे अवेलेबल है उसी कंटेंट को ही एक जगह गैदर करके हमें दे देता है, तो ये उसी कंटेंट को हमें गैदर करके देगा। तो अगर आपके सवाल का मतलब ये था जो मैं समझाऊं तो उसका जवाब ये है। अगर आप मजीद कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज़।
मतलब मैं बीच में ना मेरा नेटवर्क का थोड़ा मसला हो गया था, मैं सुन नहीं पाया कि क्या आपने बताया कि मैं किसी मौजू पे अगर तमाम दलाइल मांगता हूँ कि जैसे बुखारी में इस मौजू पे तमाम अहदीस मुझे जो हैं वो सही अहदीस मुझे मिल जाएं, तो तमाम सही अहदीस क्या मुझे चाहे वो बुखारी की हों मुस्लिम की हों तमाम अहदीस की जो बुक्स हैं उनमें से मिल जाती हैं? दूसरी एप्लीकेशन हैं वैसे, लेकिन यहाँ क्योंकि एक्यूरेट आंसर हमें मिल रहा है बैक वक्त, तो सारा इस तरीके से हमें मिल जाएगा कि हम उसे अगर एक बुक की सूरत में पास जमा करना चाहें तो कर सकते हैं ऐसे। इस हवाले से अगर आपने जवाब दिया था तो मैं सुन नहीं सका, वो दोबारा बता दियो। नहीं देखें, अहदीस या नरेशंस के हवाले से नहीं है, टॉपिक के हवाले से। जब आपको सर्च कर रहे होंगे तो वो आपको टॉपिक से रिलेटेड अपना पूरा कंटेंट देगा। आप ये नहीं कि अगर आप उस पर लिखते हैं कि मुझे इन 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 किताबों की सारी जो है वो चाहिए, ये सर्च इंजन नहीं है, ये एक सवाल सवाल तो नहीं, एक सजेशन मैं आपको बोल सकता हूँ यहाँ पे। जी जी आप बोलें। यहाँ पे मैं, जैसे आप लोगों ने इतना बेहतरीन तरीके से समझाया, काफी हद तक समझ भी आया, कुछ बीच में टेक्निकल मामलात भी थे, लेकिन मैं एक ये यहाँ पे सबको सजेशन देना चाहूंगा कि अगर हम उसको इस अवल तो इस सेंस में नहीं लेना, ये तो एक नॉलेज जोन है कि आप हम जहाँ से नॉलेज गेन कर सकते हैं, लेकिन नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। तो अगर आप कुछ चीज निकालते हैं AI से तो उसके ऊपर मनोअन भरोसा या उसके ऊपर एतमाद करके कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा, बल्कि उसके अंदर जो आपकी मतलूबा मालूमात हो ना उसको अलग करके, बाकी जिस तरह हम लोग जैसे होता है ना कि चक्की में हम जब गंदम डालते हैं तो वो जो बुरादा होता है वो अलग हो जाता है, असल आटा हमारे हाथ में आ जाता है। तो इसी तरीके से जब हम AI से कुछ चीज निकाल रहे हो, कुछ मालूमात, कोई इंफॉर्मेशन, तो इसने बाजूकाल रेफरेंस भी दिए होते हैं, तो वो एज इट इज कॉपी पेस्ट बाजूकात हो जाते हैं। मेरी से मुझसे इस तरह की गलतियां हो चुकी हैं, तो जो बाकी मैं ऑडियंस की बात कर रहा हूँ कि अगर कोई इस तरह करना चाहे तो प्लीज उसको एक दफा गो थ्रू जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। और हम अब आगे चलते हैं ताकि हम इसको कंक्लूड कर सकें। अच्छा जी एहसन साहब, थोड़ी सी माजरत, ये जो भाई हदीस वाला सवाल कर रहे थे आर्टून, जी जी, तो उनके सवाल को जितना मैं समझ पाया हूँ, अगर आप इजाजत दें तो मैं इनको थोड़ा सा समझा दूँ। जी सर बिल्कुल। अच्छा सर, बात इस तरह है कि आप कह रहे हैं कि एक ही हदीस है, वो आपने मुख्तलिफ ऑथर्स की और मुख्तलिफ ऑथर्स की जो उसमें ट्रांसलेशन है या जो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दी हुई है, तो आप वो कैसे हासिल कर सकते हैं? तो उसके लिए आप लिखेंगे कोई भी, मिसाल के तौर पे आपने हदीस का नाम लिखा और नीचे लिखेंगे बाय डिफरेंट ऑथर्स, तो आपको वो जितने भी काफ़ी सारे ऑथर्स जो उसके पास अवेलेबल होंगे तो वो आपको उन सब का रिजल्ट ला के दे देगा एक ही पेज पे, ऑलमोस्ट वो दे देता है आपको। वहाँ से आप सारी की सारी कॉपी करें और फिर देन आप एक ही पेज में एक बुक में कंपाइल करें या जो भी करें, फिर वो इट्स अप टू यू, तो ये कर सकते हैं आप। जी थैंक यू सो मच। एक्चुअली वो ये चाह रहे थे कि क्या ChatGPT भी इस तरह के रिजल्ट हमें दे सकता है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर तो उनको मालूम है और बहुत सी एप्लीकेशन हैं, सॉफ्टवेयर हैं। मिस रिदा, आपका हैंड रेज था, आपका अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज। नहीं ऐसा, मैं आपसे मीटिंग के बाद पूछ लूंगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। आप में से अगर कोई मीटिंग के बाद भी कॉन्टेक्ट में आना चाहता है, अगर आपके पास नई सुबह के ऑफिशियल नंबर्स हैं तो उन पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारे ट्रेनर्स में से किसी का भी अगर आपके पास नंबर है तो आप उस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्री आपका कोई भी क्वेश्चन है, जहाँ तक हम आपको अकोमोडेट कर सके प्लीज हम जरूर करेंगे और हमें मौका भी दीजिएगा। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। ये सबसे हमारे पास मेन पॉइंट आ गया है, लिमिटेशंस ऑफ ChatGPT। Zoom meeting row one column, Zoom meeting check. ओके, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट हमारी स्लाइड है उसमें मूव करते हैं।
और अब हमारे पास है लिमिटेशन, यानी कि जाहिर सी बात है जो हमारे पास चैट जीपीटी से कुछ लिमिटेशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हमने काम करना है। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे आप लोगों से, एक ऐसा ने आपको बताया कि भाई स्पेसिफिक है, आपके कीवर्ड्स प्रॉपर होने चाहिए, आपका जैसे उन्होंने कहा कि राइट एन ईमेल फॉर ट्रेनिंग चैट जीपीटी, तो ये चैट जीपीटी स्पेसिफिक उनका जो है वो कंटेंट था और उन्होंने जो है अपने कीवर्ड्स बहुत अच्छे वे में दिए थे कि यानी कि चैट जीपीटी को उसकी बात समझ आ गई। लेकिन यहाँ पे पता है एक चीज की लिमिटेशन में ये भी आती है कि वो हमें मटेरियल पूरा दे रहा है, प्रॉपर दे रहा है, लेकिन वो हमें टेक्स्ट में दे रहा है। हम इससे अगर कोई जैसे हम एथिकल कंटेंट इससे मांग सकते हैं, एथिकल इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, तो वो हमें वो टेक्स्ट की सूरत में देगा। तो इसी तरीके से जो भी हम इंफॉर्मेशन मांगेंगे वो हमें सिर्फ और सिर्फ वो टेक्स्ट की सूरत में दे सकता है। यानी कि अगर हम इससे बोलें कि भाई हमें कोई पीपीटी चाहिए, पीपीटी फॉर्मेटिंग के तौर पर ये हमें नहीं देगा, यानी कि पीपीटी का पैटर्न हमें बता देगा कि टेक्स्ट की सूरत में कि भाई ऐसे ऐसे पीपीटी बनती है, लेकिन हमें पीपीटी प्रॉपर वो बना के नहीं देगा पूरी। जैसे वो हमें कंटेंट तो दे रहा है लेकिन वो पीपीटी बना के नहीं देगा। इसी तरीके से अगर हमें कोई इमेज चाहिए, ठीक है, पिक्चर चाहिए, वो पिक्चर भी हमें नहीं देगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें कोई वीडियो वगैरह इस तरह की कोई चीजें जो हम अक्सर यूज करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, कोई डिजाइन चाहिए, कोई लोगो चाहिए, तो वो हमें नहीं देगा। ये इसकी लिमिटेशन है। इसके अलावा मजीद क्या क्या लिमिटेशन का ख्याल रखना पड़ता है इस पर आपको अहसन थोड़ा सा गाइड करेंगे। जी अहसन। अच्छा, हम इस पर अगर फर्दर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो कॉन्टेंट है ना उसमें भी इसकी बहुत सारी लिमिटेशन है। लाइक मैं अगर इसमें वॉइस सर्च करना चाहूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसके अंदर वॉइस सर्च का ऑप्शन अभी तक नहीं आया है। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि हम जो हमारे पास इसने टेक्स्ट हमें दिया है ये हमें रिस्पांस को हमारा कहीं एक्सपोर्ट कर दे, यानी हमें शेयर कर दे कहीं, तो ये उसमें भी अभी तक नहीं इसके अंदर कुछ डेवलपमेंट हुई है। प्लस अगर हम 2023 की नॉलेज से लेना चाह रहे हैं तो chat.gpt के पास 2023 की नॉलेज भी नहीं है, यानी एज ह्यूमन हम लोग chat.gpt से ज़्यादा अप टू डेट हैं। चैट जीपीटी के अंदर जो फ्री वर्जन है उसके अंदर एटलीस्ट उसके अंदर नहीं है, उसमें आपको वो प्रॉपर मेंशन कर देता है ये चीज कि लेट सपोज आपको ऐसी टर्म लिखते हैं जो 2022 में इंट्रोड्यूस हुई है, तो उसमें वो आपको बता देता है कि सितंबर 2021 से ये कट ऑफ है दुनिया से। यानी चैट जीपीटी जब इन्होंने बनाया तो उन्होंने सितंबर 2021 तक का जितना डेटा था, लिंग्विस्टिक डेटा था, टेक्स्ट डेटा था, वो सब कंपाइल करके उसके बाद chat.gpt को डिजाइन किया गया। जब chat.gpt लॉन्च हुआ तो उससे मतलब ये कंटिन्यूस डेटा को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, ये पुराने डेटा के साथ ही चीजों को जनरेट कर रहा है। उसके साथ साथ अगर हम देखें जो गूगल ने कंपटीशन में जब जाहिर सी बात है देखा कि 100 मिलियन थे वो उसके यूजर्स हो गए और फिर उसके बाद कमर्शलाइज भी हो गया, और कमर्शलाइज होने के बाद भी कंपनीज और फैक्ट्रीज जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो इसको यूज कर रहे हैं अपने कस्टमर्स के लिए, कस्टमर्स के फीडबैक फॉर्म बनाने हो या इस तरह से जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया और टाइटलिंग करनी हो, इस तरह से जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, जो कंटेंट राइटर्स हैं, कंटेंट मेकिंग करते हैं किसी भी हवाले से, तो वो इस सबको यूज़ कर रहे हैं और पेड वर्जन भी यूज़ कर रहे हैं, तो गूगल कहाँ पीछे रह सकता है। आपके सामने ही गूगल ने हर किस्म के प्रोडक्ट दिए, तो गूगल ने BARD भी लॉन्च किया है। BARD को भी मैं आपके सामने एक बार एक्सपेरिमेंट कर दूंगा। BARD का सिर्फ एक मसला ये है कि बहुत कंसाइज कंटेंट देता है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल कंटेंट होता है, सेटिस्फाइंग होता है, लेकिन बहुत ही कंसाइज मतलब बहुत शॉर्ट कंटेंट होता है। लाइक अगर मैं उससे कहूँ कि मुझे ट्रेनिंग प्रपोजल बना दो तो उसका ट्रेनिंग प्रपोजल इतना छोटा होगा कि मुझे नहीं लगेगा कि ये ट्रेनिंग प्रपोजल है, या एक सिंपल मैं एक कॉमन आइडिया रख रहा हूँ अपने HR के सामने या जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उसके सामने। तो लेकिन chat GPT से अगर मैं कहूँगा कि मुझे कोई ट्रेनिंग प्रपोजल बना दो तो मुझे शायद उसको छोटा करना पड़ जाए, वो इतना बड़ा मुझे ट्रेनिंग प्रपोजल बना के देगा, प्लस रीजनरेट रिस्पॉन्स मेरे पास एक हथियार है जिसको मैं बार बार यूज कर सकता हूँ। तो अगर आपको अप टू डेट नॉलेज चाहिए, नॉलेज के एतबार से बात कर रहा हूँ, कॉन्टेंट अलग चीज़ है, नॉलेज अलग चीज़ है, अगर आपको अप टू डेट नॉलेज से रिलेटेड कॉन्टेंट चाहिए या अप टू डेट नॉलेज चाहिए तो आप BARD पे यूज कर सकते हो। BARD भी इसी तरीके से एक्सेसिबल है, BARD में हम लॉग इन भी कर लेंगे, BARD में आपका काम भी नहीं बनाना पड़ता, आपकी गूगल ID से साइन अप भी गूगल करेंगे और उसके बाद फिर आप BARD यूज करना स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आपको कॉन्टेंट चाहिए तो कॉन्टेंट के लिए आपको बहरहाल chat GPT को यूज करना पड़ेगा, और सितंबर 2021 का मतलब ये नहीं है कि इसके पास जो कॉन्टेंट है वो आउटडेटेड है, वो हर चीज़ आउटडेटेड नहीं है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा
हेल्पफुल है, जो जैसे कि आपने अभी प्रैक्टिकली देखा भी। अच्छा, बार्ड जिस तरह अप टू डेट हमें कंटेंट दे रहा है, लेकिन जब मैंने बार्ड यूज किया तो मुझे ज्यादा जो सही लगा वो चैट जीपीटी। बेशक चैट जीपीटी हमें मतलब 2021 के बाद से हमें नहीं नया कंटेंट दे रहा, लेकिन वो उसके ऊपर ही काम कर रहा है। मतलब इसमें जो हम जो वर्जन यूज कर रहे हैं फ्री वर्जन, वो चैट 3 है, तो 4 और 5 जो बाकी इसके वर्जन है वो पेड है। अब दूसरी चीज है कि बार्ड मैंने एक चीज ये भी देखी, जैसे हमारे पास उर्दू लैंग्वेज है, ठीक है, मैं जैसे मोस्टली अपना जो है वो शेयर कर मतलब सर्च करती हूँ, तो वो मुझे बाज़ औक़ात उर्दू में भी चीज़ चाहिए होती है। तो जब मैंने बार्ड को यूज़ किया तो बार्ड में उर्दू लैंग्वेज अवेलेबल ही नहीं है। मतलब वो अभी ज़ाहिर मे में जो है वो लॉन्च हुआ है, और जबकि चैट जीपीटी में मैं करती हूँ तो चैट जीपीटी में जो है वो 200 लैंग्वेजेस है, जैसे कि हमने बताया अभी, तो वो हमें उर्दू कॉन्टेंट बआसानी शेयर कर देता है। तो ये भी एक चीज़ थी लैंग्वेजेस के एतबार से। अच्छा, मैं ये पॉइंट सुनकर बहुत हैरान हुआ था। मुझे मिस अक्षय ने बताया था कि बार्ड जो है वो उर्दू नहीं दे रहा, हालांकि मतलब एकदम मुझे शॉक लगा था कि जो गूगल TTS में उर्दू ले आया है, और उर्दू लैंग्वेज को मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों से ज़्यादा गूगल ने प्रेफर किया है और बहुत अहमियत दी है उर्दू के हवाले से, बहुत काम किया है एक्सेसिबिलिटी के हवाले से भी, फिर उर्दू कीबोर्ड आपके सामने, और उसके अलावा जो उर्दू TTS है विजुअल इंपेयर्ड पर्सन्स के लिए जो स्क्रीन रीडर यूज़ होता है टेक्स्ट टू स्पीच, वो बहुत बेहतरीन हो गया है और अप टू डेट चल रहा है। तो इसका आंसर यही मिला कि बार्ड में अभी तक उर्दू इसलिए नहीं आई क्योंकि बार्ड जब लॉन्च हुआ है May 10, 2023 को, यानी बार्ड को लॉन्च हुआ है परसों, 1 महीना हुआ, तो 1 महीने के अंदर मेरे ख्याल से अगर वो सिर्फ एक लैंग्वेज या चंद लैंग्वेजेस दे रहा है तो ये भी एक मिला गनीमत है। तो आइंदा आने वाले दौर में बार्ड के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आ जाएगी, और मुझे चैट जीपीटी से ज़्यादा बार्ड से ये उम्मीद है कि इसके अंदर वॉइस सर्च का ऑप्शन बहुत जल्द आ जाएगा। अच्छा, तो अगर हम फ्यूचर डेवलपमेंट्स की बात कर लें तो AI का फ्यूचर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग भी है और बहुत ज़्यादा ब्राइट भी है, आप लोगों के सामने है। AI बहुत अच्छे तरीके से किस तरह से हम सबकी जॉब्स को एब्जॉर्व करता चला जा रहा है, और हम लोगों को बहुत मुश्किल होगी जॉब ढूंढने में, बिकॉज जो देखते हैं USA साइड पे कि जो CSRs हैं वो भी रोबोटिक आ गए हैं और AI मॉडल्स को यूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा वहाँ पे तरक्की हो रही है, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा एक रैपिडली हो रही है। तो जो हमारा ये लैंग्वेज मॉडल है इसके अंदर डिमांड्स को देखते हुए जिस तरह अभी गूगल ने कंपटीशन में बार्ड को लॉन्च किया है, तो आने वाले दौर में इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन हमें देखने को मिल सकता है। प्लस इसमें हमें बहुत ज़्यादा जो है वो फीचर्स देखने को मिल सकते हैं, जिस तरह अभी ये टेक्स्ट बेस्ड है, पिक्चर्स बेस्ड बहुत सारे AIs आ चुके हैं, और इसके अलावा वीडियो एनिमेशन के हवाले से बहुत सारे AIs आ चुके हैं, लेकिन बहुत सारे इसमें जो है वो पेड भी हैं। लेकिन आस्ता आस्ता ऐसा होगा जिस तरह हम देखते हैं जूम क्लाइंट को, कि उन्होंने जो है वो अपना पेड वर्जन भी रखा हुआ है और एक फ्री वेरिएंट भी रखा हुआ है, ताकि उनकी जो प्रोडक्ट है उसका यूज़ भी कम ना हो और उसकी पब्लिसिटी भी कम ना हो, और इसी के हवाले से वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरा करते हैं, प्लस अपना एक प्रीमियम वर्जन भी देते रहें ताकि जो लोग प्रीमियम वर्जन यूज़ करें तो उनकी एक सेल भी होती है। तो फ्यूचर डेवलपमेंट्स के हवाले से आपको बहुत जल्दी बहुत कुछ देखने को मिल सकता है, इसमें बहुत रैपिडली देखने को मिल सकता है, इसके लिए हमें शायद मजीद वेट ना करना पड़े। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर हम फीडबैक पर फोकस रखेंगे तो ये चैट GPT अपने डिस्क्लेमर में खुद बता देता है कि अच्छा, चैट GPT अपने डिस्क्लेमर में एक चीज ये भी बताता है कि समटाइम्स ये अनअप्रोप्रिएट जो है वो रिस्पॉन्स आपको दे देता है, मतलब गैर जरूरी रिस्पॉन्स देता है, या समटाइम्स इसका रिस्पॉन्स आपको बुरा भी लग सकता है। तो जाहिर सी बात है ये एक लैंग्वेज है या एक AI मॉडल है, सॉफ्टवेयर के ऊपर गुस्सा नहीं निकाला जा सकता। तो इसमें ये कि आप रीजनरेट रिस्पॉन्स के ऊपर फोकस कर लें, या फिर सबसे पहले उसको फीडबैक दे दें ताकि उनके जो भी डेवलपर्स हैं उन तक ये फीडबैक पहुंच जाए कि इस सवाल के जवाब में ये जवाब आया है जो कि इस सवाल से कनेक्शन नहीं रखता, तो आप उसको जब वो फीडबैक दे देंगे कनेक्शन होपफुली वो चीज़ नहीं होगी।
जब चीज अंडर डेवलप होती है तो उस पर 24/7 काम हो रहा होता है, और जब 24/7 काम हो रहा हो तो आपका फीडबैक इग्नोर होना मुमकिन तो है नहीं, लेकिन अगर हो भी जाए तो नेक्स्ट टाइम या कंटिन्यूसली जब आप फीडबैक दे जाएंगे तो वो चीज़ बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। अगर हम इसी कंक्लूजन की तरफ चलें तो आज हमने चैट जीपीटी का इंट्रोडक्शन चेक किया, चैट जीपीटी का यूसेज चेक किया, प्रैक्टिकल इसकी इम्प्लीमेंटेशन चेक की, हमने इससे कुछ क्वेश्चन पूछे, क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछे, यानी कि जो चीज़ें इसको नहीं पता थी वो उसने नहीं बताई, जो चीज़ें इसको पता थी उसने बताई। इसके अलावा हमने इसकी एथिकल कंसिडरेशन के हवाले से बात की, फ्यूचर डेवलपमेंट्स के एडवांसमेंट के हवाले से बात की, और मजीद हमने इस पर आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स भी लिए। आप मजीद कुछ पूछना चाहते हैं, आपका कोई क्वेश्चन है जो आप सर्च करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम इसमें या इसके हवाले से मजीद कोई सेशन आप रखवाना चाहते हैं नई सुबह के प्लेटफॉर्म के थ्रू या नई सुबह की अम्ब्रेला में, आप इस तरह के जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्कशॉप्स हैं या क्वेश्चन आंसर सेशन हैं या फिर एक्सपर्ट्स के साथ इंटरेक्शन हैं या फिर कोर्सेज हैं, आप कुछ भी चाहते हैं तो प्लीज़ आप बता सकते हैं, आपकी सजेशन नोट की जाएंगी और इसका इंशाल्लाह इम्प्लीमेंटेशन भी आपको बहुत जल्द नजर आएगा। Salman Sultan raised at ChatGPT Google Chrome Raw PowerPoint slide shows that attendees Zoom Room at Zoom meeting Row 1 Column 1 Zoom meeting. क्या मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आप कहिए। अच्छा जी, सबसे पहले तो माजरत के लाइक ट्रेनर्स आप हैं और मैं भी बोले जा रहा हूँ साथ साथ, लेकिन हमारा मकसद एक दूसरे को एक दूसरे से सीखना और सिखाना है, तो इसीलिए बस मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के साथ मिल के। अच्छा, बात यह है कि जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जी सितंबर 2021 के बाद का जो डाटा है वो चैट जीपीटी के पास नहीं है, और फिर हमें अगर कोई चीज़ चाहिए करंटली जो हो रही है दुनिया में, तो उसको अगर हम सर्च करते हैं उसके ऊपर हम डाटा लेना चाहते हैं जीपीटी से, तो उसका एक हल है, वो हल ये है कि आप वहाँ पे लिखेंगे एड बॉक्स में, जहाँ पे आपने लिखना होता है एड बॉक्स में आप लिखेंगे अपना रिक्वायर्ड टॉपिक जो है वो लिखेंगे, साथ में उसी टॉपिक से रिलेटेड जो मटेरियल है विकिपीडिया पे, विकिपीडिया से जाकर उस टॉपिक के रिलेटेड जो लिंक्स हैं वो एक दो लिंक कॉपी करके आप अपने सवाल के साथ नीचे पेस्ट करेंगे, एंड देन उसको डन बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको विकिपीडिया से डाटा लेके फौरन से अपना उसको अपनी कंपाइलेशन दे के तो फिर आपको वो रिजल्ट्स शो कर देगा। तो ये एक हल है, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आप बिल्कुल, लेकिन चूंकि आप कोई भी इंसान जो है वो चैट जीपीटी यूज चैट जीपीटी लग रहा है तो वो उसके लिए एक हल है। जो हमने बात की थी ना कि जी इसके बाद का डाटा नहीं मिल सकता, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में मैंने सिर्फ बताया है कि जी इसका ये हल है कि आप थर्ड पार्टी एफर्ट्स के थ्रू कर सकते हैं इसको, इसे अपना रिस्पांस जो है वो जनरेट करवा सकते हैं। जाहिर है उसकी वकैब अलग से होगी, वो डिफरेंट अंदाज में होगी। असल में विकीपीडिया में काफ़ी सारी चीज़ें नहीं होंगी कि जिसने आर्टिकल लिखा उसकी अपनी वर्डिंग में ना, तो ये जब आप लिंक चैट जीपीटी को देते हैं तो वहां से वो रिस्पांस जो जनरेट करता है वो उसकी अपनी वर्डिंग में होता है, वो एआई डिडक्शन के जी समझ सकता हूं। वो तो जाहिर सी बात है, हम जब विकिपीडिया पे सर्च करते हैं तो वहां पे ग्राफिक और इमेज और इस तरह की चीजें भी आ रही होती हैं, तो वीआई को भी उस पे एक्सप्लोर करने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही होती है, जबकि अगर हम चैट जीपीटी पे उसी कॉन्टेंट को सर्च करेंगे तो हमारे पास एक सिंपल पेज होगा जिस पे सिर्फ टेक्स्ट लिखा होगा और कुछ नहीं होगा, ना लिंक्स होंगे, ना इमेजेस होंगे, ना बटन्स होंगे, ना हेडिंग्स उस तरह से होंगे जो हेडिंग लेवल्स होते हैं ना गूगल की। तो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के बजाय एक सिंपल टेक्स्ट पेज डॉक्यूमेंट होगा जिसको पढ़ना हमारे लिए बहुत आसान होगा। वो तो ठीक है, मैं सिर्फ ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था कि मुझे लगा कि शायद हम अगर विकिपीडिया पे सर्च करेंगे तो उसका अलग रिस्पॉन्स आएगा और चैट जीपीटी शायद उसका अलग रिस्पॉन्स करेगा। बहरहाल मजीद अगर आप सजेशन कोई सवाल जैसे कि आज एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पर ये जो
9 में एक इंसिडेंट्स हुए हैं पाकिस्तान में, तो इस पे अगर मैं कोई अपना ओपिनियन लिखना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक दो लिंक विकिपीडिया से कॉपी करूंगा और ठीक है वहाँ पे फिर चैट जीपीटी ओपन करके मैं वो लिंक पेस्ट करूंगा, नीचे लिख दूंगा राइट एन ओपिनियन ऑन इंसिडेंट 9th में इंसिडेंट्स इन पाकिस्तान, तो वो लिंक्स उसके पास ऑलरेडी हमने दे दिए हैं, तो वो वहाँ से डाटा लेके तो आपको एक रिस्पॉन्स जनरेट कर देगा 9th में के इंसिडेंट्स के ऊपर, जबकि विकिपीडिया आपको नहीं कर सकता ये वाला काम। हाँ बिल्कुल ठीक है, और अगर आपने अपने किसी फेसबुक पोस्ट या इन सब चीज़ों के लिए करना है तो प्लीज़ आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसको किसी कॉम्पिटिशन या अपना ओपिनियन कहीं देना है तो उसमें अपना ओपिनियन प्लीज दीजिएगा। मैं बार बार इस चीज़ पर बहुत जोर देता हूँ, जिसको भी मैं चैट जीपीटी के हवाले से बता रहा हूँ उनको मैं ये चीज़ें बहुत बराबर करवाता हूँ कि अगर हम इस तरह इसका यूज़ करने लग जाएंगे तो एक तरीके से मिसयूज़ हो जाएगा। अगर हमने कहीं अपना ओपिनियन देना है, किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है, सवाल का जवाब देना है, हम तैयारी के लिए सब चीज़ें देख सकते हैं लेकिन हम एज इज उसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो यूज़ तो हो जाएगा, शायद आप फर्स्ट भी आ जाएँ, आपके नंबर्स भी अच्छे आ जाएँ, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी, आपका सीखने सिखाने का अमल, आपका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का अमल कहीं पीछे रह जाएगा। मजीद अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो प्लीज़, जो हमारे साइडेड पर्सन थे उनको आज की वर्कशॉप कैसी लगी, उनके लिए कैसी रही, वो अगर कोई अपना फीडबैक देना चाहें तो हमारे लिए नेक्स्ट वर्कशॉप्स में या नेक्स्ट ट्रेनिंग्स में इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज क्लियर है? जी बिल्कुल। अच्छा बिलावल अब्बास ने जो अभी बात की ना वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। बिलावल भाई विद ड्यू रिस्पेक्ट ये पॉसिबल नहीं है। 20 सितंबर 2021 के बाद इसके पास कोई डेटा नहीं, और आप इसको कोई अगर लिंक देते हो तो ये वहां से कोई कंटेंट उठा के आपको डिटेल्स ऐसे या कुछ भी ये प्रोवाइड नहीं करेगा। और सेकंड क्वेश्चन हुआ था एक, आपकी आवाज कट गई है, सेकंड बात पे आए थे। अभी आ रही है? जी अभी आवाज आ रही। अच्छा एक क्वेश्चन हुआ था ना कि आप अगर रीजनरेट करो ना तो जो अभी रिजल्ट आया वो पिछला जो रिजल्ट था वो आपको चाहिए ना, तो आप चैट में सिंपल लिख लो नेक्स्ट क्वेश्चन उससे कर लो कि जो आप पहले आपने रिजल्ट दिया था वो दोबारा प्रोवाइड कर दो, तो वो आपको प्रोवाइड कर देगा फिर से। अगर मजीद किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो प्लीज़ हम लोग फिर से वाइंड अप करने की तरफ चलते हैं। आप लोगों का टाइम भी बहुत कीमती है और बहुत अच्छा लगा हम इस ऑर्गेनाइजेशन को जब हमने प्रपोज किया था रिगार्डिंग दिस ट्रेनिंग, तो हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा कंसर्न यही था कि पता नहीं पब्लिक इसमें इंटरेस्ट लेगी या नहीं लेगी, क्योंकि बहुत से लोगों को पहले से बहुत से प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इसकी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिल चुकी थी, लेकिन आप लोगों ने उसके बावजूद क्यूरियसनेस शो की, बहुत अच्छा लगा देख कर, और आप लोगों ने रिस्पॉन्सेज दिए, आप लोगों ने बातचीत की, सजेशंस दी, नई चीज़ें ऐड की, हमें भी बहुत कुछ सीखा, और उम्मीद है कि आप लोग जो है वो मजीद हमारी जो नेक्स्ट बात के अम्ब्रेला के अंदर जो ट्रेनिंग्स होंगी उनमें पार्टिसिपेट करते रहेंगे, अपनी वर्कशॉप्स और इन चीज़ों को अटेंड करके अपनी सजेशंस भी देते रहेंगे, और जैसा कि नई सुबह यूथ को एम्पावर करने के लिए अपनी कोशिशें तेज किए हुए हैं, तो उसके जो एस्पेक्ट्स हैं रिगार्डिंग हमारे जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है, इसके अलावा जो हमारे पास
इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम है, जो फिजिकल ट्रेनिंग है, ऑनलाइन ट्रेनिंग है, इसके अलावा डिफरेंट आई टी से रिलेटेड ट्रेनिंग है, इन तमाम के साथ हम जो है वो एक भरपूर एक गुलदस्ता बना के चल रहे हैं स्किल्स का और जो एजुकेशन है उसका। तो आप तमाम लोग भी इसमें पार्टिसिपेट किया कीजिए और बहुत अच्छा लगा आप तमाम लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। फाइनल वर्ड्स फॉर मुस्तफा दादा और उसके बाद फिर हम यहाँ से साइन ऑफ करेंगे। थैंक यू एसन, काफ़ी आपने ब्रीफली बता दिया है और थैंक यू सो मच। मैं तमाम ऑडियंस का थैंक्स करना चाहूंगी कि आप लोगों ने इसे ज्वाइन किया और मुझे भी इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं था क्योंकि पब्लिकली ये मेरी जो है वो फर्स्ट ट्रेनिंग है, मतलब एक्सपीरियंस है मेरा फर्स्ट, और मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तो मैं बहुत डर ही थी क्योंकि मतलब इतने सारे लोगों ने ज्वाइन किया, फिर सारे लोगों को जो है वो आंसर्स करना, उनको साथ ही टेक्निकली थोड़ी सी दिक्कत हुई शुरू में, आप लोगों को वेट करना पड़ा, तो उसके लिए माजरत। लेकिन उसके बाद एसन ने भी काफी इसको अच्छे से परफॉर्म किया मेरे साथ और हम दोनों ने काफी अच्छे से बैटर किया, लेकिन ज्यादा जो अच्छे से परफॉर्म किया वो एसन ने किया। तो थैंक यू सो मच एसन, आपने काफी मतलब आंसर्स भी आपने बिल्कुल ठीक दिए और सारी चीजों को मैनेज किया। और हमारी जो ट्रेनिंग है, मेरा बस पर्पस ये था कि ये ट्रेनिंग अच्छे से हो जाए और इसका फीडबैक जो है वो मतलब अच्छे से हो जाए सारी चीजें। और देखिए नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो हर जगह पे होता है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि आप लोग प्लीज अपने सजेशंस और अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा और हमें आगे सीखने को मिलेगा। क्योंकि हमारा जो मेरा खास तौर पे अपना जो पर्पस होता है किसी भी चीज को करवाने का या करने का कि मैंने खुद उससे क्या सीखा, तो यहाँ पे जैसे बहुत सारी मालूमात मुझे मिली भी कि भाई अगर आपको रीच जनरेट रिस्पॉन्स करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो, तो बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे लर्न भी की और आप लोगों ने भी लर्न की होंगी। तो और ज्यादा सबसे ज्यादा थैंक्स जो है वो हमारे नई सुबह का है कि उन्होंने जो है वो हमें ये इस प्लेटफॉर्म पे ये चीज करने को दी और इंशाल्लाह आगे भी हम लोग ये चीजें करवाते रहेंगे, लेकिन इसके लिए इम्पोर्टेंट है आप लोगों का फीडबैक। सो थैंक यू सो मच। अब मैं चाहती हूँ आप लोगों से इजाजत। रिदा ने हैंड रेस किया है, तो रिदा को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। भाई क्वेश्चन तो कोई नहीं है, लेकिन वो ये बताना था तुम लोगों को कि जो रिस्पॉन्स पिछला वाला होता है उस पर जाया जा सकता है। बता दिया गया, क्लियर हो गई है बात। ठीक है, थैंक यू सो मच रिदा और आप सबका भी थैंक यू सो मच। तो अब मैं आप लोगों से चाहती हूँ इजाजत और फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग में या नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से मुलाकात होगी। जी एस अच्छा जी, मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।